यस ओके नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में ऑन स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। के आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार है? देन लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फर्स्ट सेशन अपना हो चुका है, ऑलवेज याद रहेगा आपको भी मेरे को भी। आई एम रियली एक्साइटेड टू टेक दिस जर्नी फॉरवर्ड बिकॉज फर्स्ट सेशन में जो आप लोग की तरफ से मुझे बोलते ना रिस्पॉन्सेज मिला है, स्पेशली आफ्टर द लेक्चर, ड्यूरिंग द लेक्चर जब अपन डिस्कशन कर रहे थे, दैट वॉज फिनोमिनल। एंड बोल रहे ना दैट फिल्स मी विद पॉजिटिविटी। आई एम श्योर आप लोग को भी उतना ही एक्साइटमेंट है कुछ सीखने के लिए। एंड लेट्स लेट्स डू द बेस्ट। सो एज यूजुअल अपन एक है ना आदत डाल लेते हैं कि जब भी कोई नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करे, नेक्स्ट डे स्टार्ट करे, उसके पहले क्यों ना एक 5 से 10 मिनट अपन लोग रिकैप कर ले दैट व्हाट वी हैड डन इन आवर प्रीवियस लेक्चर। क्या बोलता है पब्लिक? सो बस उसी चीज से स्टार्ट करते हैं। तो कल का सेशन जो इंट्रोडक्टरी सेशन था, उसमें अपन लोग ने पहले सेशन में समझा, आई मीन दो पार्ट में डिवाइडेड था, प्री ब्रेक पोस्ट ब्रेक। सो प्री ब्रेक सेशन में व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड? वी अंडरस्टूड दैट व्हाट इज गोइंग टू बी आर अप्रोच, कि कैसे अपन लोग एसएफएम को अप्रोच करने वाले हैं, कितने सब्जेक्ट्स है। मुझे बताओ तो जरा टोटल अपन लोग ने एसएफएम को कितने फेजेस में डिवाइड किया है? बोलो जरा, बोलो बोलो, टेल टेल, कितने फेजेस में ये एसएफएम डिवाइडेड है आज के बाद अपने लिए। सो आज से आप और मैं हमेशा एसएफएम को एक फेज की नजर से देखेंगे। किसकी नजर से देखेंगे? करेक्ट, एक फेज की नजर से देखेंगे। एंड अपने लिए 4 फेजेस है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। अच्छा मुझे जरा बताना तो फेज 1 में क्या होगा, ठीक है ना? मतलब कभी भी कोई फेज वर्ड यूज करे ना एसएफएम में, तो समझ जाने का कि वो अपना कनेक्ट वाला बंदा है, एक मैटर ऑफ बिलोंगिंग है उसका और अपना। तो पहले फेज में क्या क्या आएगा, बिकॉज दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद। करेक्ट, तो पहले स्टेज फेज में आएगा अपना म्यूचुअल फंड्स। इसी फेज में दूसरा चैप्टर होगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसी फेज में तीसरा चैप्टर होगा वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। करेक्ट, ओके। सेकेंड फेज में क्या आएगा, जो तगड़ा फेज है अपना एकदम, करेक्ट, दैट इज बेसिकली गोइंग टू स्पीक ऑफ फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव्स। एंड ऑब्वियसली इसको एज अ कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, तब अपने को बहुत मजा आने वाला है। अच्छा, उसके बाद में अपना थर्ड फेज में क्या आएगा, थर्ड फेज कहने से ओके डोके फेज है, टेंशन वाला नहीं है। सो दैट बेसिकली इज रिलेटेड टू कॉर्पोरेट वैल्यूएशन एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन। एंड लास्ट जो फेज है वो फेज है मेरा थियोरी, जो इसको पब्लिक इग्नोर करता है, बट अपन इग्नोर नहीं करेंगे बिकॉज अपन ने देखा लास्ट टाइम कि यार हर अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट का हर क्वेश्चन 1 का सी पार्ट 4 मार्क का थियोरी कंपलसरी है बॉस। इट्स लाइक कंपल्सरी, क्वेश्चन 1 में सी 4 मार्क थियोरी, क्वेश्चन 2 में सी 4 मार्क थियोरी, एंड ऐसे ही हर क्वेश्चन, मतलब 6 क्वेश्चन तक हर 4 4 मार्क थियोरी का क्वेश्चन था। सो दैट गोज ऑन टू शो कि बॉस 24 मार्क का थियोरी आने ही वाला है। सो लेट्स डू दैट इन अ बेस्ट मैनर। अब इसमें कौन से चैप्टर्स है मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताया, सिर्फ एक याद रखने के लिए, भाई स्टार्टअप फाइनेंस है, फाइनेंशियल पॉलिसीज है, बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट है, वैल्यूएशन ऑफ, जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी है, वहां पे टेक्निकल एनालिसिस आपको करना होता है। सो ऑल ऑफ दैट इज योर मेड अप ऑफ थियोरी। सो जैसे आपने बोला स्टार्टअप फाइनेंस है, सिक्योरिटाइजेशन है, तो ये सब क्या करेंगे तभी अपने को चीजें याद रहेंगी बेसिकली। सिक्योरिटाइजेशन के बाद जैसा मैंने बोला रिस्क मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल पॉलिसी है, ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ योर फेज 4। तो ये फेज 4 अपन लोग 4 फेज में अपन अपने एसएफएम को डिवाइड करेंगे, और उसी फेज 1 का फर्स्ट चैप्टर जो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज म्यूचुअल फंड्स। बट वो स्टार्ट करें सर, उसके पहले सर रिकैप कर रहे हैं। फिर अपन लोग ने देखा कि भाई पास्ट पेपर का थोड़ा एनालिसिस किया, वी रियलाइज दैट भाई ऑल टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट इंक्लूडिंग थियोरी। एंड पेपर पैटर्न बेसिकली है क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 to 6 20 मार्क्स, उसमें से any 4 अपने को करना है। देन वी सॉ दैट हाउ द होल ऑप्टिमाइज, जो आपका पूरा बुक है वो कैसे पूरा पैटर्न में सेट किया हुआ है। सो वी वर कॉन्फिडेंट दैट यस भाई इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सम्स तो सब मैंने पिकअप कर लिया है और मैं मेरे लेवल पे पढ़ाऊंगा। अब इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना अच्छा प्रैक्टिस करने वाले हो ना, गेम उधर ही बदलने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये सेशन मेरा
हर बच्चा जिसने मेरे साथ रजिस्ट्रेशन किया है वो एंड टू एंड सुनेगा, ये मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। बट खाली वो लेक्चर सुनने से समझने से नहीं चलेगा काम। ओनली वन थिंग इज गोइंग टू गेट यू टू दैट 80-90 का फिगर एंड दैट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, मुझे भी उतना ही प्रैक्टिस करना है, भले ही मैं 10th टाइम भी सिखाऊं, भले ही मैं 100th टाइम भी सिखाऊं। तो आप लोग को तो डेफिनेटली करते ही रहना है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, एटलीस्ट एक टारगेट रख लेना दैट यू हैव टू रिवाइज ऑल द सम्स एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस एटलीस्ट। तो यहाँ पे ये जो स्टडी मेंटर बनाया है ये खाली टाइम पास के लिए नहीं बनाया, इट इज स्पेसिफिकली मेड सो दैट यू कीप अ ट्रैक ऑफ योर स्टडीज के बस कितना पढ़ाई हो रहा है मेरा, कितना नहीं हो रहा है, ऑल ऑफ दैट। यार ये देखो यहाँ पे सिस्टमैटिकली एटलीस्ट मेरा ये 3 टिक तो मुझे हर चीज के ऊपर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और जिसका भी 3 टिक से ज्यादा होते जाता है उसके लिए मैं गारंटी ले सकता हूं बॉस 80-85+ गारंटीड है। बाकी का जो 10-15 मार्क है दैट इज काइंड यू कैन से थोड़ा बहुत वो बोलते हैं ना लक फैक्टर वाला चीज बोल सकते हो, बट अदरवाइज प्लीज। और मैं तो बोलूंगा कि मुझे ना व्हाट्सएप करते रहना, फोटो व्हाट्सएप करते रहना कि सर देखो मेरा तो है ना ये 3 नहीं 4 बार हो गया है, 5 बार हो गया है। आपको भी एक मोटिवेशन रहेगा और मुझे भी पता चलते रहेगा यार ठीक है पब्लिक का प्रोग्रेस कितना है। ठीक है, सो द होल इंटेंट ऑफ हैविंग दिस, देखो बोलते हैं ना एक रिसोर्सेज है बट अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए तो इसमें तेरा घाटा मेरा मेरा भी जाता है भाई, मेरा कुछ नहीं जाता, ऐसा नहीं है। तो प्लीज इसको प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिएगा। जो जो जब जब होते जाता है अपन भी क्लास में जैसे जैसे होते जाएगा मैं टिक करवाते जाऊंगा, तुम लोग मुझे याद दिलवाते जाना टिक करना है नहीं हुआ है एंड ऑल ऑफ दैट। बट जितना तुम लोग उसके ऊपर प्रैक्टिस का स्कोप रखोगे उतना वी विल बी डूइंग बेटर। और एक चीज जो मैंने लास्ट टाइम नहीं बताई थी वो मैं आपको बता देता हूं अभी, कि जब आपके पास पूरा ये आ जाएगा तो मैंने इंट्रोड्यूस किया है समथिंग कॉल्ड एज स्टूडेंट नोट्स। तो ये आप लोगों को दिख रहा है प्रीव्यू, और प्रीव्यू के बाद में मैंने इंट्रोड्यूस किया है अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज स्टूडेंट नोट्स। आपको पता है ये स्टूडेंट नोट्स में मैं क्या करने वाला हूं? स्टूडेंट नोट्स में अपन लोग अभी कम से फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड के 40-50 सम तो करने ही वाले बराबर है। सो जब अपन म्यूचुअल फंड के फॉर एग्जाम्पल 50 सम्स कर लेंगे, क्या ना इससे ये सम्स में कुछ ना कुछ वेराइटी आती जाएगी, समझ रहे हो कि नहीं? सो वो जो भी वैरायटी आएगी उस वैरायटी से अपने को क्या सीखने को मिला वो अपन स्टूडेंट नोट्स में लिखते जाएंगे, समझ रहे हो? तो जब तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हारे पास पहले आएगा फर्स्ट पेज, उसके बाद आएगा स्टडी मेंटर, उसके बाद आएगा प्रीव्यू। तो जब तुम रिवाइज करोगे तो तुम पहले प्रीव्यू गो थ्रू कर लोगे, प्रीव्यू गो थ्रू कर लिया, प्रीव्यू के बाद है फॉर्मूलास गो थ्रू कर लिया, उसके बाद में यू हैव टू गो थ्रू द स्टूडेंट नोट्स। और ये स्टूडेंट नोट्स आप और मैं क्लास में मिलके लिखने वाले, समझ रहे हो? सो जो भी मेरे को क्वेश्चन लग रहा है ना वो सारा का सारा क्वेश्चन मैं आप लोग को यहाँ पे स्टूडेंट नोट्स में लिखवा दूंगा। सो मुझे लग रहा है कि भाई चलो ये क्वेश्चन में अपने को ये सीखने को मिला, चलो भाई स्टूडेंट नोट में लिख लिया। ये वाले क्वेश्चन से मुझे ये फॉर्मूला सीखने को मिला, चलो भाई ये स्टूडेंट नोट में लिख लिया। सो दैट अपने पास एग्जाम टाइम के लिए देयर इज समथिंग रेडी विद अस इन आवर ओन हैंडराइटिंग जिससे वी कैन अगेन स्मूथली प्रोसीड। बट याद रखना ये स्टूडेंट नोट्स कितना अच्छा बनेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज आप जब सम सॉल्व करवाओगे, देखो मैं तो सम के फ्लो में पूरा सम सॉल्व करवा दूंगा बट आपको याद दिलाना पड़ेगा कि सर ये वाला पॉइंट है ना स्टूडेंट नोट में लिख लेते हैं अच्छा रहेगा हमारे लिए ड्यूरिंग एग्जाम टाइम रिविजन। सो कैन यू टेक दैट लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी प्लीज? राइट, उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग लोगे ना कि आप मुझे बताते जाना टिंग टोंग, ठीक है ना? लाइव बैच है उसका यही तो फायदा है कि आप मुझे बताओगे कि सर ये वाला चीज है ना नोट्स में लिख लेते हैं एंड आई विल बी लाइक ओके डन। ठीक है ना, हर चैप्टर के बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बाद अराउंड 10 पेजेस मैंने स्टूडेंट नोट्स का डाल दिया, क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है जो मुझे लगता है कि यार कुछ ना कुछ सम करते करते अपन सीखेंगे। देखो हर चीज फॉर्मूला के थ्रू नहीं आ सकती है, कुछ हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चीज अपने को स्पेसिफिकली सीखने को मिलेगी, बट वो याद नहीं रहेगा एग्जाम तक। तो लिख लिया स्टूडेंट नोट्स में तो एटलीस्ट अपन जितना परफेक्शन की टुवर्ड्स पहुंच पाए उतना ये सब चीजों से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी गेम रहेगा आपके प्रैक्टिस का। ऑलराइट गाइस, सो ये आप लोग ने प्रॉमिस कर दिया है दैट स्टूडेंट नोट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ब्लैंक स्टूडेंट नोट्स आपको दे दिया है, समझ रहे हो तुम लोग, कोरा कागज दे दिया है। इस
पूरे पन्ने को भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो स्टूडेंट नोट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी सर का नहीं है, किसका है? स्टूडेंट्स का ही है। आप ही बताएंगे सर ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये स्टूडेंट नोट्स में हो सकता है कि आपने कुछ मुझे बोला और मुझे लगा कि नहीं नहीं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको लग रहा है तो आप ऐड कर देना। या हो सकता है कि मैं बोल रहा हूँ कि अरे ये पॉइंट भी लिख लेते हैं यार, 1 + 2 = 3 भी लिख लेते हैं, बट आपको लग रहा है क्या 1 + 2 = 3 लिखना है, नहीं लिखोगे, तो दैट इज ऑल्सो ओके। बट 95% टाइम्स अपन दोनों का थॉट प्रोसेस मैच होगा। 5% हो सकता है नोट आपका नोट एक्स्ट्रा हो या 5% कम हो, दैट डिविएशन कैन ऑलवेज बी मैनेज, ठीक है ना। अभी मैं एक मेच्योर ऑडियंस को पढ़ा रहा हूँ जो फाइनल लेवल पे है, सो वो सब छोटा मोटा चीज होते रहेगा। ओके गाइस, सो ये स्टूडेंट नोट्स का चीज ध्यान में रखना, क्योंकि आज अपन शायद सम से स्टार्ट करें तो मैं बोला पहले ये वाली चीज बता दूं, राइट? ऑलराइट, ओके। उसके बाद अपने बहुत सारे सम्स करने वाले, वो अपन लोग ने डिस्कस किया, दैट वाज माय पार्ट 1। फिर बाद में कल के लेक्चर का पार्ट 2 में अपन लोग ने क्या डिसाइड किया था कि सर ने आपको बना दिया था, क्या सर ने बना दिया था? अच्छा, स्टूडेंट नोट्स में अपन लोग क्या लिखने वाले हैं? शॉर्ट पॉइंट्स और फॉर्मूलाज फॉर एवरी क्वेश्चन। सो इधर अपन लोग, मैं खाली तुम लोग को बता देता हूं, शॉर्ट पॉइंट्स टू रिमेंबर, या इसको बोल सकते हो और फॉर्मूलाज फॉर ऑल क्वेश्चंस। तो ये पढ़ के आप लोगों को समझ जाएगा क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आप लोगों को फर्स्ट सेशन का, फर्स्ट डे का सेकेंड पार्ट समझ में आया था तो चलो ना उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो उसमें मैंने स्टार्ट किया था जापान के एसेट बबल के साथ। कहना इसे कि जापान का एसेट बबल क्यों हुआ पता है? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट, उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट, हाँ आप लोग जितना फाइनेंशियली क्वालिफाइड नहीं होगा शायद, इसके लिए वो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को मैनेज नहीं कर पाया। कहना इसे कहीं ना कहीं जापान तो यार हर चीज में अच्छा है बेचारा, बट फिर भी 30 साल से वही के वही जीडीपी पे अटका हुआ है। दिल से बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है, बट क्यों हुआ ऐसा? खाली एक चीजन की वजह से, और वो है कि उन्होंने स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर है उसने भाई साहब ने बराबर नहीं पढ़ा था। ही कुडंट मैनेज द इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स इन अ प्रॉपर मैनर, एंड दैट लेड टू अ 30 ईयर्स का यू कैन से ग्रोथ स्ट्रक्ट, या जिसको बोलते हैं अपन स्टैग्नेशन इन द इकोनॉमी। रॉन्ग मॉनिटरी पॉलिसीज, करेक्ट प्रियंका, एंड दैट क्रिएटेड अ बिग इशू। उसके बाद अपन लोग गए जिम्बाब्वे के पास। जैसा मैंने बोला कि अपन तो जिम्बाब्वे को वैसे भी अंडर डेवलप्ड की जैसे ही देखते हैं जिम्बाब्वे, बट एक टाइम था बॉस, 1980s में एक टाइम था जब जिम्बाब्वे का करेंसी वॉज बेटर देन यूएस डॉलर्स। तो ऐसा नहीं है कि जिम्बाब्वे पैदाइशी गरीब है, नहीं, पैदाइशी बहुत अच्छी थी। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसका वन ऑफ द बोलते ना रिचेस्ट कंट्री में से आता था, बट अगेन गलत करतूतों की वजह से गलत राह पे आ गया, बोलते ना अकबर के घर पे औरंगजेब पैदा हो गया। सो वैसा कुछ सीन हो गया हमारे इसका जिम्बाब्वे भाई साहब का। सो अगेन दे कुड नॉट मैनेज इन्फ्लेशन, और उसकी वजह से उन्होंने बहुत सारा डेट ले लिया, उसकी वजह से वो लोग ने बहुत सारा प्रिंटिंग ऑफ करेंसी कर दिया, और अननेसेसरी प्रिंटिंग ऑफ करेंसी क्रिएटेड अ स्कोप ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। सो एक ने स्टैग्नेशन किया, बोलते ना गलत मॉनिटरी पॉलिसी की वजह से स्टैग्नेशन हो गया, दूसरे को इम्प्रॉपर मॉनिटरी की वजह से हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, और ये सब चीज अपन लोग देख रहे थे ध्यान से। एंड अपन ने बोला कि बॉस ये चीज मेरे भारत के साथ, मेरे यहाँ पे कंट्री में ऐसा ना हो, या फिर आप जो भी कंट्री से मेरा लेक्चर सुन रहे हो वो कंट्री में ना हो। इसके लिए मैंने आप लोग को बताया कि बॉस, और जियो पॉलिटिकल इश्यू नहीं था वो, अगेन आई एम टेलिंग यू, करण चौहान लिख रहा है जियो पॉलिटिकल इश्यू नहीं था वो, प्योरली इन करेक्ट फाइनेंशियल पॉलिसीज का मैटर था बॉस, समझ रहे हो? तो ऐसा ना हो इसके लिए मैंने आप लोग को बनाया मेरा आरबीआई का गवर्नर। मैंने बोला कि यार मेरे पास ये इतने होनहार बच्चे बैठे हैं, मतलब इतने स्मार्ट लोग हैं, इन लोग को आप दो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करने को, देखो ये कैसे चीजों को मैनेज करते हैं। तो आप लोग ने समझो आपकी कंट्री में हो रहा है इन्फ्लेशन, और आप हो उस कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर, तो आप मुझे बताते जाइए क्या करोगे आप। इन्फ्लेशन हो रहा है तो इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए आप क्या करोगे, क्या करोगे? सीधा इंटरेस्ट में मत आना। इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए आप क्या करोगे? चलो गाइस क्विकली अपन लोग खाली एक रिकैप मार रहे हैं,
और फिर वहां से चीजों को मैं कनेक्ट करने वाला हूं, तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो अब फटाफट बता दे, अभी देखो सैफुद्दीन ने लिखा है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आई विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। नहीं, गलत गलत गलत, कोई और कोई और। गलत मतलब बीच का एक पार्ट खा गया मेरे भाई तू। करेक्ट पल्लवी, हाँ लिक्विडिटी मैनेज करना पड़ेगा बॉस। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिक्विडिटी को मैनेज करना पड़ेगा भाई साहब, तब जाके। सो लिक्विडिटी, क्योंकि अपन लोग ने एक चीज सीखी थी कि इन्फ्लेशन डिपेंडेंट है लिक्विडिटी पे। अगर मैं लिक्विडिटी को क्रंच में ले आता हूं ना, तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, भले ही कितना भी डिमांड सप्लाई का गैप होने। भाई एक चीज उस दिन अपने को समझा था कि डिमांड सप्लाई की गैप की वजह से इन्फ्लेशन होता है, बट वो इन्फ्लेशन को मैं कंट्रोल कर सकता हूं। कैसे? भले ही बहुत सारा डिमांड हो, भले ही लेस सप्लाई हो, बट अगर मैंने लिक्विडिटी को कंट्रोल कर दिया ना भाई साहब, भले ही कितना भी डिमांड हो, तुम्हारा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। ये चीज अपन लोग ने इकोनॉमिकली समझा लास्ट टाइम। सो लिक्विडिटी को मुझे कम करना है। लिक्विडिटी को कम कैसे करूंगा? अब सैफुद्दीन का पॉइंट आ जाएगा दैट सर कैसे करोगे आप, बाय इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट। सो ये अपन लोग ने कनेक्ट बिठाने की कोशिश की थी कि भाई आप फाइनेंस मिनिस्टर हो तो अब आप क्या करोगे, लिक्विडिटी कम करोगे। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट। अच्छा, इसकी वजह से क्या इंपैक्ट आएगा? सबसे पहले कौन सा, मेरा बैंकिंग स्टॉक की बैंड बजेगी। सो कहना से मेरा बैंकिंग स्टॉक डाउनफॉल पे आना चालू हो जाएगा। क्यों भाई ऐसा क्यों? क्योंकि अब लोग लोन ही नहीं ले रहे। क्यों लोन नहीं ले रहे? क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स मेरा बढ़ चुका है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स मेरा, मेरे को लग रहा है मैं क्यों जाके लोन लू यार। पहले मुझे होम लोन मिल रहा था 5% पे, अब मुझे होम लोन मिल रहा है 8% पे। आप मुझे बताओ मैं लूंगा क्या बैंक से लोन जाके? कभी नहीं लूंगा यार, मैं वेट करूंगा, लूंगा ठीक है ना, अब ऊपर गया है तो लेट्स नॉट टेक। जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो मैं लूंगा। अब बैंक का तो मेन धंधा ही होता है क्या, कि जितना वो अपने को लोन देगा उतने पे उसको इंटरेस्ट इनकम है। अब वो अपन ने लोन लेना ही बंद, उसका इंटरेस्ट इनकम बंद, कोई बिजनेस का इनकम ही बंद हो जाए तो सीधी सी बात है उसका स्टॉक तो फॉल, शेयर मार्केट में फॉल करेगा ही, राइट। फिर बाद में दूसरा दूसरा चीज क्या है भाई मेरा, दूसरा किसके ऊपर इंपैक्ट आएगा? कहना इससे कि मैं मेरा रियल एस्टेट मार्केट भी अफेक्ट होना चालू हो जाएगा। सो कहना इससे मेरा रियल एस्टेट भी डाउन हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्यों मेरा रियल एस्टेट मार्केट डाउन हो जाएगा? बोलो बोलो, चल चल, क्यों मेरा रियल एस्टेट? करेक्ट सर, होम लोन लोगे ही नहीं आप। सर इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपनी है वो लोन लेगा ही नहीं उसको। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी आज की तारीख में आपको क्या लगता है, खुद का पैसा डालता है या मार्केट से लोन उठाता है? बोलो बोलो। अरे आज की तारीख में सब लोग भाई, एक छोटा सा लैपटॉप लेना है ना तो फिर भी पब्लिक लोन लेता है यार। तो ये तो इंफ्रा कंपनी है, 100 100 500 500 करोड़ का ये वो है, तो ये तो पूरा का पूरा गेम इनका लोन पे ही है। अडानी नाम तो सुना होगा, राइट? कहां से अडानी के पास इतना पैसा आ रहा है, पूरा का पूरा मार्केट से लोन उठा रहे भाई साहब, है कि नहीं? ट्रिलियन के, 2 ट्रिलियन का उसका तो डेट है, लोन है। भाई ये लोग सब लोग लोन पे ही गेम खेलते हैं। तो रियल एस्टेट इंफ्रा जो भी है वो सब मेरा डाउन होते जाएगा ना, है कि नहीं? ये सब स्टॉक्स मेरा क्या होते जाएगा, डाउन। अब रियल एस्टेट और इंफ्रा डाउन है तो सीधी सी बात है उससे जो कनेक्टेड है सीमेंट मार्केट, वो भी मेरा डाउन हो जाएगा। सीमेंट से और भी बाकी सब जो भी चीज मेरा कनेक्टेड है वो सब मेरे, वो इको इको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम में ये सब चीजें फॉल करती जाएंगी। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, यस और नो? तो मेरा सीमेंट स्टॉक भी गिरेगा। यस एब्सोल्युटली करेक्ट सर। बट क्या सारे स्टॉक से गिरेंगे? मुझे जब मैं ये करते जा रहा था ना, तो लास्ट टाइम मुझे किसी ने बोला था सर सच्ची में यार सारा का पूरा इकोनॉमी फॉल हो जाएगा, सब गिर जाएगा। बट मैंने बोला नहीं, कौन से टाइप के स्टॉक्स स्टेबल रहेंगे या बढ़ने का चांस है उसको मैंने कुछ नाम दिया था। क्या था वो? उसको मैंने कुछ नाम दिया था, थोड़ा अभी वो सब वर्ड्स यूज करना चालू करो ना पब्लिक। क्या नाम किया था मैंने? मैंने बोला था कि नहीं, ऐसा सबके साथ नहीं होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, हाँ ये करे करे, तुम लोग ने लिखा सर फार्मा FMCG IT स्टॉक्स, ये सब स्टॉक्स गिरेंगे नहीं सर, ये सब स्टॉक स्टेबल रहेंगे या बढ़ेंगे, इनको मैंने क्या नाम दिया? गायत्री एम इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इनको मैंने नाम दिया भाई डिफेंसिव स्टॉक्स, तो बढ़ेगा ना, ये बेसिकली डिफेंसिव स्टॉक्स है, राइट। ये जो मेरा IT इंडस्ट्री वाला है या मेरा फार्मा वाला है या मेरा जो FMCG वाला है, उसको ये इंटरेस्ट रेट से शायद फर्क ना पड़े,
एंड देयरफॉर पब्लिक अब क्या करेगा, यहां से अपना पैसा खाली करेगा और बोलेगा चल भाई इधर जाता हूं, एंड फिर मेरा आईटी, फार्मा, एफएमसीजी या तो स्टेबल होगा या बढ़ना चालू कर देगा, राइट? ओके, सो ये वाला कनेक्शन आप लोगों को समझ में आ गया था कि नहीं? आप लोग मेरे को बताओ। यस, एकदम एकदम क्लैरिटी के साथ आ गया। मैं अभी भी बोल रहा हूं आपको, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी ये वाला कई बार उनको ये इकोनॉमिकली कैसे चीजें चल रही है, फाइनेंस और इकोनॉमिक का वो जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं सेटअप नहीं होता है। सो इसके लिए दिस इज द बेसिक। पब्लिक बोलता है अरे शेयर मार्केट में मैं इन्वेस्ट करेगा, मैं ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसा वैसा। अरे भाई बट बेसिक तो समझ, इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो वो फंडामेंटल एनालिसिस तो अपना क्लैरिटी पे रहे, राइट? सो डिफेंसिव स्टॉक आप और आपको चाहिए ना, आप जाके पूछना आपके सीनियर्स को, आप भी आर्टिकल शिप कर रहे हो, उनको पूछना भाई ये सब कनेक्शन पता है क्या। आई बेट 8 out of 10 वुड नॉट नो इट। व्हाई? बिकॉज वी डोंट सी दिस इन टैंडम। अपन अपन एसएफएम को फॉर्मूला समझते हैं। एसएफएम क्या है? इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का कॉम्बिनेशन है। पूरा गेम डिमांड सप्लाई से स्टार्ट हुआ था भाई, इन्फ्लेशन डिमांड सप्लाई के गेम से स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद आया लिक्विडिटी। तो पहले डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक्स आया, फिर लिक्विडिटी फाइनेंस आया, और फिर बाद में ये कहानी शुरू हुई, राइट? चलो, डिफेंसिव स्टॉक्स मेरा ऊपर जाएगा, कौन सा स्टॉक्स मेरा नीचे जाएगा, ये मुझे समझ में आ गया है। अब मुझे एक बात बताओ, ये गोल्ड का क्या होगा? कोई बता सकता है ये मेरे गोल्ड का क्या होगा? अच्छा, मुझे डॉलर का क्या होगा, सॉरी गोल्ड पे जाओ, उसके पहले मुझे मेरी डॉलर की चिंता है भाई। मेरे डॉलर का क्या होगा रे सामा? बोलो, कैन आई से रुपी का वैल्यू कम हो जाएगा? जब रुपी का वैल्यू कम हो जाता है तो मेरे डॉलर का वैल्यू बढ़ जाएगा। सो डॉलर रेट इन टर्म्स ऑफ वीजा भी इंडियन रुपी बढ़ जाएगा, बिकॉज पहले मैं 100 रुपए में जो खरीद पा रहा था इंडियन रुपी में, अब मैं वो 100 रुपए में उससे कम चीज खरीद पाऊंगा। तो बेसिकली रुपी का वैल्यू कम हो रहा है, मेरे डॉलर का इंक्रीज होगा। इसको डिटेल में पढ़ना है भाई, ना नहीं बोल रहा, फॉरेक्स में पढ़ना है, बट एक आइडिया आपको आ गया। अच्छा, मेरे गोल्ड का क्या होगा भाई? क्या हो गया सुनो, मैं ना गोल्ड को इंपोर्ट करता हूं, तो अब मेरा डॉलर का अगर भाव बढ़ गया है तो सीधी सी बात है, जो चीज मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, विच इज माई गोल्ड, विच इज माई क्रूड ऑयल, वो दोनों भी क्या होगा रे पब्लिक? वो दोनों भी बढ़ जाएगा, वो दोनों भी बढ़ जाएगा। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? तो ये समझ में आ गया। अच्छा, बॉन्ड का क्या होगा? बॉन्ड का तो एक पूरा चैप्टर है, बॉन्ड को तो एकदम डिटेल में पढ़ना है। मुझे बताओ ना, बॉन्ड का क्या होगा? बॉन्ड का क्या होगा, बोलो बोलो, टेल टेल, क्या लग रहा है बॉन्ड का क्या होगा? कभी भी याद रखना, बॉन्ड इज बॉन्ड्स वैल्यूएशन, बॉन्ड्स वैल्यू इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट। मैंने उस दिन एग्जांपल के साथ समझाया था, बॉन्ड के टाइम पे वापस से समझेंगे, बट ये तो हमेशा ध्यान में रखना कि ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट ही रहता है, करेक्ट, इंटरेस्ट रेट्स के साथ। सो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा तो बॉन्ड को अपन बोलेंगे भाई तेरा टाइम खत्म, तू तेरा वैल्यू कम होते जाएगा। सो दिस इज हाउ द होल इंडस्ट्री साइकिल इज बेसिकली। एफएसएफएम में अपने को यही तो पढ़ना है, शेयर्स का क्या इन सिनारियो होगा, बेसिकली फॉरेक्स डॉलर का क्या सिनारियो होगा, मेरे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स विच कुड बी अ गोल्ड क्रूड ऑयल उसका क्या सिनारियो होगा, मेरे फिक्स्ड इनकम विच इज माय बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या है? फिक्स्ड इनकम है ना, शेयर मार्केट का भरोसा नहीं है, आज कंपनी ने डिविडेंड दिया नहीं दिया, शेयर मार्केट में मेरे शेयर का प्राइस बढ़ा नीचे कम हुआ, नो आइडिया। डॉलर का क्या होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा होता है, कभी कभार रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, कभी कभार लिबरल हो जाता है, बट बॉन्ड्स है जो मुझे फिक्स्ड इनकम देते रहेगा। सो ये सबको कंबाइन करके बेसिकली मैं एक मेरा पोर्टफोलियो बनाता हूं, है कि नहीं? अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अब कनेक्ट को समझना, क्या आप लोगों को ये बेसिक इकोनॉमिक समझ में आ गया? क्या इसको अब आप फाइनेंस के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो? आप लोग सब लोग ने बोला यस, बिकॉज आप लोग के आंसर से मुझे समझ रहा है दैट यस यार, थिंग्स आर ऑन द राइट ट्रैक। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ कि आप लोग तो यार अभी एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, सो आप लोग के पास तो ज्यादा टाइम है नहीं, है कि आप लोग के पास ज्यादा टाइम ये सब एनालिसिस करने का? सच्ची सच्ची बोलो, तुम लोग बोलोगे हाँ सर ये सब में बहुत मजा आता है, मतलब पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब चीज लाइफ में इंटरेस्टिंग लगती है कि नहीं? होता है कि नहीं तुम लोग के साथ भी, है ना? तो जब पढ़ाई कर रहे होते हो ना, तो मतलब नींद, आह इतनी नींद आती है, दुनिया भर की नींद आती है, कॉमन है सबके साथ, आपके साथ भी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हमने भी यही सब देखा है। दूसरा टाइम पास, मतलब कुछ भी, अगर कोई एकदम फालतू रील आया तो भी वो देखने का एकदम मन करेगा, है कि नहीं? है कि नहीं? ओके, आई कैन अंडरस्टैंड।
मतलब आई कैन अंडरस्टैंड इन द सेंस, हमारे टाइम पे रील बिल का नहीं था, बट हमारे कुछ और टाइम पासिस थे। टीवी, टीवी पे सबसे घटिया शो जिसको अपन 50 बार देख चुके हैं, वो भी 51st टाइम देखेंगे, और उसी एक्साइटमेंट के साथ जैसे फर्स्ट टाइम देखा था। होता है कि नहीं आप लोग के साथ, राइट? बट फिर बाद में ये सब चीज हाँ ये देखो, ये बोल रहा है सर अभी तो मेरा तो टाइम है, मेरा अटेम्प्ट तो नवंबर में, कोई बोल रहा है सर मेरा अटेम्प्ट तो नेक्स्ट ईयर में है, नेक्स्ट मई में है, बस ये है ना, पलक झपकोगे ना आ जाएगा अटेम्प्ट, पता नहीं चलेगा, बता रहा हूं मैं। ये फाइनल का अटेम्प्ट तो यार कब आता है ना, मतलब स्पीड ऑफ साउंड के साथ, स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करता है। सो एनीवे, जब भी आपका अटेम्प्ट हो, टाइम तो कम ही लगने वाला है, ये बात मानते हो कि नहीं? भले आपका अटेम्प्ट 5 साल बाद हो, ठीक है, क्या आपको लगता है कि जब आपका अटेम्प्ट आ जाएगा, भले 5 साल बाद है, तो भी जिस दिन अटेम्प्ट आ जाएगा उस दिन आपको लगता है आपको टाइम रहेगा बहुत सारा, या आपके पास टाइम कम ही रहेगा? अरे एक सब्जेक्ट भी हुआ ना खाली तो भी टाइम कम लगेगा यार। तो ये देखो, जूही पूछ रही है सर आपको कैसे पता कि हमको ये सब टाइम पे ऐसा सब होता है? भाई मैं भी तो स्टूडेंट था ना, बोला ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी तो हमको पता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मेरे साथ मतलब नींद का तो मैं आपको बोलू ना, मतलब क्या प्रपोर्शन था, हाँ, इतना मतलब बस चालू करूँ कुछ थियरी और ऐसे। चलो एनीवेज, टाइम तो कम ही लगता है। तो अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। समझो तुम लोग का आज, समझो फॉर एग्जाम्पल चल रहा है दिसंबर, ध्यान से सुनना प्लीज, साथ देते रहना एज यूजुअल। समझो अभी चल रहा है दिसंबर का महीना, ठीक है, अभी चल रहा है दिसंबर का महीना, ठीक है, तुम लोग का एग्जाम्स है मई में, तुम लोग का एग्जाम्स है मई में, ठीक है। अब तुम्हारे पास कहना है से 5 मंथ्स है। अब मुझे इज्जत से बोलो, ठीक है, अगर तुम्हारा अटेम्प्ट है दिसंबर मई में, और तुम्हारा दिसंबर से, 1 दिसंबर से आई एम अज्यूमिंग लीव चालू हो रहा है, ठीक है, आई एम अज्यूमिंग के मेजोरिटी क्लास हो गया होगा, थोड़ा बहुत या तो डीटी आईडीटी का थोड़ा, या लॉ ऑडिट का, या जो भी है थोड़ा बहुत इधर उधर का कोई बाकी रहेगा तुम लोग का क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे 5 मंथ्स किसी भी आपके सीनियर को पूछ लो, ये जो 4 to 5 मंथ्स है, ये 4 to 5 मंथ्स में किसी भी सीनियर को, भले रैंक होल्डर को, भले जिसको अटेम्प्ट लगा हो, किसी को भी पूछ लो, वो आपको एक ही चीज बोलेगा कि यार ये 4 to 5 मंथ्स आपको 200% देना है, एंड एवरी डे एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स पढ़ना ही है। भले ही लोग आपको, कोई कोई आके बोलेंगे अरे इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, अरे मैं तो खाली 6-8 घंटा पढ़ के सीए बन गया था यार, अरे मैं तो खाली इतना सा पढ़ा था सीडब्ल्यू बन गया, मैं तो क्लियर हो गया, प्रोफेशनल हो गया, नहीं मानने का उसकी बात को, नहीं मानने का। मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, उसके पहले 5 साल एज अ स्टूडेंट रह चुका हूं, तो मैंने सब लोगों को, सब तरह के लोगों को देखा है। दुनिया का कोई भी आदमी ये वाला एग्जाम कंटिन्यूअसली 4-5 महीना 10-12 घंटे पढ़े बिगैर क्रैक नहीं कर सकता है, लिख के ले लो। तो भले सीए बनने के बाद होशियारी मारते, तुम लोग भी, तुम्हारा कोई इंटर का बच्चा आता होगा तुम्हारे पास, तो तुम लोग भी बोलते होगे ना अरे इंटर तो कुछ नहीं है रे, 4-5 घंटा पढ़ने का हो गया, बट तुमने वो टाइम पे कितना एफर्ट लिया रहेगा, लिया रहेगा कि नहीं? ऐसे लोग आएंगे और बोलेंगे अरे क्या तू भी इतना कर रहा है यार, अरे आराम से हो जाएगा, कुछ नहीं है रे, अरे मैं तो 5-6 घंटा पढ़ा था रे, वो भी लास्ट का 2 महीना, अरे मैंने तो ना ये सब ऑप्शन में छोड़ दिया था। ऐसे भी लोग मिलेंगे, अरे क्या तू फॉरेक्स डेरिवेटिव्स के लिए इतना टेंशन ले रहा है, अरे मैं तो ऑप्शन छोड़ गया था फिर भी 60+ है। अच्छा तुम देखने गए थे उधर, मैं हो जाते हैं ना लोग बन जाते हैं ना, उसके बाद में कोई भी क्या झाप मारे तुमको क्या समझने आने वाला है यार, है कि नहीं? बोलता है ये अरे मैं तो ये एफआर में कंसोलिडेशन छोड़ के गया था, कुछ नहीं होता है रे। अरे भाई तू करके गया था भाई, तेरे नसीब अच्छे हैं, बट मैं जितना तुम लोगों को समझता हूँ अपना नसीब तो इतना खराब है कि 100 में से 99 करके जाऊंगा तो इंस्टीट्यूट 100 क्वेश्चन ही पूछेगा। होता है क्या आपके साथ भी ऐसा? होता है ना? तो जब अपने को पता है अपना नसीब इतना अच्छा है, तो अपन तो और 10-12 क्या 14 घंटा पढ़ना पड़ेगा तब जाके अपना नैया पार होगा। राइट राइट राइट। तो एग्जैक्टली बोलते ना, वो क्लियर होने के बाद सब पानी कम लगते हैं, तो एक कहावत है कि जिंदगी का यही एक वो है कि जो मिल गया वो मिट्टी, जो नहीं मिला वो सोना। तो मिल जाता है उसके बाद में लगता है ये है वो है, बट अभी अपने को 10-12 घंटे पढ़ना है। अब आ जाओ मुद्दे के ऊपर, इधर आ जाओ। अब मैं आप लोग को क्या बोल रहा हूं कि दिसंबर है, दिसंबर का महीना है, दिसंबर का महीना है, एंड मई तक आप लोग तो बस फुल्ली ऑक्यूपाइड हो, 10 to 12 आवर्स आपको इफेक्टिवली पढ़ना है। अगर आदमी को 10 to 12 आवर्स इफेक्टिवली मतलब नेट पढ़ना है, मतलब कहना है इसे उसको एक 14 आवर्स का शेड्यूल लेके चलना पड़ेगा,
मतलब दिन का 14-16 घंटा जब मैं बैठूंगा या फिर मैं सोचूंगा कि हाँ इतना करूंगा, तब जाके मेरा नेट 10 to 12 hours होने वाला है। सो इन शॉर्ट मैं आपको बोलता हूं, क्या दिसंबर से मई तक क्या आप लोग के पास ये स्टॉक मार्केट देखने का टाइम है क्या, या आप लोग के पास ये डॉलर मार्केट कैसा चल रहा है उसका देखने का टाइम है क्या, या आप लोग का गोल्ड में कितना ऊपर नीचे हो रहा है ये देखने का टाइम है क्या, या क्रूड ऑयल कितना ऊपर जा रहा है, या भाई कौन सी देश में क्या वॉर हो रहा है, ये सब देखने का टाइम है आप लोग के पास कि नहीं है? आप मेरे को बताओ, सिर्फ एक ही बात बताओ, ये सब चीज का आपके पास टाइम है या नहीं है? सर आप लोग ने जवाब दे दिया, सर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और ये सब चीज ऐसा नहीं है, शॉर्टकट नहीं मार सकते ना इसमें कि आज मैंने देख लिया इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, चल मैंने आज आईटी एफएमसीजी का स्टॉक ले लिया और फिर बाद में हो गया आराम से टेंशन फ्री। नहीं ना, स्टॉक मार्केट तो एवरी सेकेंड चेंज होता है, तो मुझे तो उसको रिलीजियसली ध्यान देता रहना पड़ेगा। बट बॉस मैं तो मेरा पढ़ाई कर रहा हूं, मुझे प्रोफेशनल भी बनना है। तो अब हो क्या रहा है, ये जो 5 महीना है आप लोग इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। बट आपको पता है कि यार ये टाइम अच्छा है इन्वेस्ट करने के लिए, और आपको पता है क्या, आपको 1 दिसंबर को कॉल आता है, किसका, आप लोग शॉक हो जाएंगे, 1 दिसंबर को आपको कॉल आता है आपके प्रधानमंत्री का, और आपके प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, मित्रों मैंने जो वादा किया था, मैं आप सब आर्टिकल क्लर्क वालों के अकाउंट में 15 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहा हूं। आप लोग सब लोग को ये 1 दिसंबर को कॉल आता है कि बॉस 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट होने वाले हैं। अब आप मुझे बताओ, आपको खुशी होगी कि नहीं? इतनी खुशी आप लोग बोलोगे कि यस सर। ए भाई मैं पहले ही बोल दूं, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं हूं, सबसे पहला चीज, बिकॉज अपन लोग फाइनेंस और इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो जियो पॉलिटिकल चीजें आती रहेगी। बट प्लीज उससे मुझे जज मत कीजिएगा, मुझे, मैं सबके साथ खुश हूं, ठीक है ना? मुझे पता है कि मैं अपने में ही इतना उलझा हुआ हूं कि मुझे ये सब चीजों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो प्लीज जज मत कीजिएगा कि सर आप इसको साइड लेते हो, उसको साइड लेते हो, मैं किसी का साइड नहीं लेता हूँ, ठीक है? तो चलो, और वो साइड और अनसाइड का बात करना है तो वो अपन लोग लेक्चर के बाद समझेंगे, वो भी चाहिए तो डिस्कशन के लिए मैं रेडी हूँ, बट अभी मुझे जज नहीं किया जाएगा तो ही मैं फिर ये सब चीज पे डिस्कस करके बातों को आगे करूंगा। ये पहले तुम लोग मुझे एक बार वादा कर दो, वरना कल उठ के बोलोगे कि सर तो है ना ऐसा करके वो करते हैं वो करते हैं, ये बच्चे लोग को आजकल मिर्च मसाला डालने में बहुत मजा आता है, बता रहा हूँ। चलो, सो 1 दिसंबर को आप लोग को कॉल आएगा, कॉल आया 1 दिसंबर को कि भाई आपके अकाउंट में, फाइनेंस मिनिस्टर का कॉल है आपको और बोला कि यस 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। अब 1 दिसंबर को हुए, मुझे एक बात बताओ कि 1 दिसंबर को जब आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए क्रेडिट हो जाएंगे तो आप क्या करोगे? आपके पास एक ऑप्शन है कि आप फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दो एट द रेट 5%, जो आपके पेरेंट्स करने ही वाले। भाई ये 15 लाख तो हर किसी के अकाउंट में जाएगा ना, हर किसी के अकाउंट का बात हुआ था भाई। हर किसी के अकाउंट में जाएगा, तो आपके पेरेंट्स के अकाउंट में भी जाएगा, आपके अकाउंट में भी आया ये 15 लाख रुपया। अब आपके पेरेंट्स क्या करने वाले, मैं आपको पहले से बता दो, वो तो चुपचाप जाके इसका एफडी करवा देंगे। बट अपन तो यार चार्टर्ड लोग है भाई, अपन चार्टर्ड लोग, एफडी करवाने का था तो इतना सारा सब दिमाग लगा कि ये सर के पास से क्यों पढ़ रहे, तो क्या अपन भी एफडी में डालेंगे क्या? नहीं, वो अपने मम्मी पापा को डालने दो, उनको सिक्योर्ड है भाई, कैसा है पता है क्या, उनका तो 2/3 life निकल गया, तो अब उनका 1/3 life है, उनको सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट में डालने का, एफडी में डाल के उनको खुश रहने का, नो प्रॉब्लम। बट अपन तो 15 लाख रुपया क्या करेंगे, अपन तो एफडी वेफडी में नहीं डालेंगे, शायद 1-2 लाख रुपए डाल दे एज अ सेफ्टी, बट बाकी तो मैं पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूंगा, हाँ या ना? कैन आई से मैं स्टॉक मार्केट में डालना चाहूंगा, बोलो, कैन आई से मैं करेंसी ट्रेडिंग करना चाहूंगा, कैन आई से थोड़ा पैसा मैं गोल्ड में भी डालूंगा? गोल्ड को बोलते हैं कि गोल्ड इज लाइक अ हेजर, मतलब इन्फ्लेशन को वो मैनेज करता है गोल्ड, समझ रहे हो क्या तुम लोग? अब तुम लोग यार स्टॉक मार्केट, डॉलर, गोल्ड, कमोडिटी, ये सब में इन्वेस्ट करना चाहते हो, बट आज है 1 मई, 1 दिसंबर, अब आने वाले 5 महीना तुम लोग के पास टाइम नहीं है, पर तुमको बताया कि ये 5 महीने में मार्केट एकदम ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा? क्योंकि अभी सब लोग के पास पैसा आया तो सब लोग इन्वेस्ट करेंगे ना। अब आप करोगे क्या भाई, क्या करोगे आप लोग? मतलब आप लोग यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये एग्जाम्पल है कि भाई 200 स्टूडेंट्स मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं, ये 200 स्टूडेंट के पास 15 लाख रुपए आ गया है,
और ये 200 स्टूडेंट को पता है कि भाई हमको ये 15 लाख रुपया शेयर मार्केट में डालना है, थोड़ा हमारे को लगता है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देंगे, थोड़े लोग बोलते हैं भाई गोल्ड में भी डालना है, डॉलर में डालना है, क्रूड में डालना है, ये सब जगह पे भाई आपको इन्वेस्ट करना है, बट आप करोगे कैसे, आपके पास तो टाइम ही नहीं है। और शेयर मार्केट तो आपको पता है ये बात, शेयर मार्केट हैज गिवन एन अ CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, उसका सब डिटेल में मतलब समझाऊंगा, 15% रिटर्न दिया हुआ है CAGR शेयर मार्केट ने, तो यार ये तो बहुत अच्छा रिटर्न है, बहुत बड़ी बात है भाई, 15% मतलब ऑसम। मतलब वो तो आप लोग ने कहानी सुनी होगी कि यार अगर इंफोसिस में मेरे दादाजी ने 1980 में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते, तो आज की तारीख में से 2023-24 में इसका वैल्यू इज मोर देन 500 करोड़, एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी, दिस इज अ ट्रू स्टोरी। हाँ भाई कोई यहाँ पे फेंक नहीं रहा है, ट्रू स्टोरी। यही ऐसा ही इतना ही पैसा अगर आप लोग ने सपोज 1980s में इंफोसिस, टाइटन, ये सब में अगर लगा दिया होता ना भाई साहब आपके ग्रैंडफादर ने, तो तब 10,000 का वैल्यू आज 500 करोड़ हो गया होता, आप मेरे सामने बैठे ही नहीं होते। आप बोलते आप 500 करोड़ है ऐश करेंगे, भाई अपने को पैसा नहीं कमाने, आने वाली 7 जनरेशन नहीं कमाएगा तो भी चलेगा, 500 करोड़ दादाजी कमा के गए हैं अपने लिए, बट ऐसा हुआ नहीं। अपन की तो बात हुई ना, अपने नसीब कैसे है, 100 क्वेश्चन में से 99 करके जाएंगे ना तो इंस्टीट्यूट 100 क्वेश्चन ही पूछेगा, तो कोई बात नहीं, अपन अपनी तकदीर लिखेंगे भाई, अपन क्यों किसी के ऊपर भरोसे पे रहे। बट तो अपने को ये चीज तो पता चल गई कि 1980s से 2023 में इतना अपन लोग का स्कोप है ग्रोथ का, 10,000 का 500 करोड़, 10,000 का जीरो भी है नो डाउट, बट अपन तो एडुकेटेड लोग है, दिमाग लगा के करेंगे इन्वेस्ट। सो अब यहाँ पे इशू कहाँ पे आ रहा है पता है क्या, कि आपको ये सब जगह पे इन्वेस्ट करना है, बट आपके पास शायद नॉलेज भी है, बट आपके पास फिलहाल टाइम नहीं है, तो आप क्या करोगे, समझ रहे हो तुम लोग। बट आप लोग ने एक चीज नोट की कि यार हमारे पास एक बंदा है, हमारे पास एक बंदा है जो ये सब इकोनॉमिक्स को और फाइनेंस को समझता है, जिसको पता है कि अब मार्केट में इन्फ्लेशन हो रहा है, इंटरेस्ट रेट हो रहा है, तो कौन सा शेयर ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा, कल उठ के ये इंटरेस्ट रेट नीचे गया तो कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, गोल्ड पे क्या इंपैक्ट आएगा, समझो वॉर आ गया तो कौन सा स्टॉक से, फॉर एग्जाम्पल वॉर चालू हो गया तो डिफेंस स्टॉक बढ़ जाएगा, तुम्हारा एक बंदा है, और अगर वॉर हो जाता है ना तो गोल्ड का प्राइस भी बढ़ जाता है, क्यों बता पता है क्या, क्योंकि जब वॉर होता है तो जो भी इंटरनल मनी है वो सब डिफेंस में लग जाता है, तो इसके लिए गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है, इक्विटी मार्केट से सब लोग पैसा निकालना कम कर दे कर, निकाल देते हैं, एंड गोल्ड जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है वो चीज के ऊपर पब्लिक डालना चालू करते हैं। तो इन शॉर्ट ये सब नॉलेज एक बंदे को है जो आपको हेल्प कर सकता है, और आप लोग 200 जन एक साथ एक लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग ही बताओ आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या बोल रहे हो, वो नाचीज को फोन करके बुलाओगे कि नहीं, आप वो नाचीज को बोलोगे कि सुनो ना नाचीज, तुम तो फ्री बैठे हो, वेल्ले बैठे हो, तुम तो बन चुके हो ना प्रोफेशनल, तुम तो वेल्ले बैठे हो, तुम्हारे को ये सब चीज का नॉलेज भी है, तो हम क्या करोगे, क्या करोगे तुम लोग, करेक्ट, तुम लोग सोचते हो, तुम लोग सब लोग एक लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, तुम लोग बोलते हो यार ये तेरे अकाउंट में आया 15 लाख, ये तेरे में आया, तेरे में आया 15 लाख, आया ये यार 15 लाख रुपए आप लोग सब लोग के अकाउंट में आ गए, बट इसका करना क्या है, उसका आप लोग के पास टाइम नहीं है, आपको करना ये सब में इन्वेस्ट है बट आपके पास टाइम नहीं है, ना ही आपके पास उतना प्रोफेशनल शायद अभी फिलहाल अक्यूमेन है, क्वालिफिकेशन है, तो आप क्या करते हो, ये 15 लाख रुपए 200 पीपल आप लोग ये पैसा जमा करते हो, आप लोग ये पैसा क्या करते हो, म्यूचुअली एक फंड इकट्ठा करते हो, समझ रहे हो तुम लोग, समझ रहे हो। सो आप लोग क्या करते हो, म्यूचुअली ये फंड इकट्ठा करते हो, क्या करते हो ये म्यूचुअली फंड इकट्ठा करके, ये फंड इकट्ठा करके, म्यूचुअली फंड इकट्ठा करके आप लोग क्या करते हो, आप लोग जाते हो एक प्रोफेशनल के पास, आपकी नजर में फिलहाल एक ही प्रोफेशनल है, आपकी नजर में फिलहाल एक ही प्रोफेशनल है जो ये सब चीज आपके लिए मैनेज कर सकता है, कौन है वो, कौन है वो, मैं सुनना चाहता हूं उसका नाम आपके सुनहरे मुंह से, यस। तो आप लोग आ गए हमारे पास, जी हाँ, समझ रहे हो तुम लोग, समझ रहे हो, एंड दिस इज हाउ एक्चुअली द होल कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स वॉज स्टार्टेड, दिस इज हाउ एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड वॉज स्टार्टेड, पब्लिक को
पब्लिक के पास पैसा है। सपोज मैंने धंधा किया, मैंने धंधे से पैसा कमाया मैंने, ठीक है, बट वो पैसे को पैसे से पैसा बनाना मुझे नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं धंधे के ऊपर ध्यान दूं कि मैं मार्केट के ऊपर ध्यान दूं, तो आप बोलोगे धंधे के ऊपर टाइम दो। सो आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास पैसा है, जो थोड़ा बहुत पैसा है आपके पास, पर आपके पास टाइम नहीं है। दूसरा, आप तो बिजनेसमैन हो, जब आप बिजनेसमैन हो तो आपको आपके बिजनेस का पूरा नॉलेज है, पर बाकी क्या चल रहा है आपको उस चीज का नॉलेज नहीं है। सो कैन आई से आपके पास ओवरऑल मार्केट का नॉलेज नहीं है, बट आपके पास एक चीज है, क्या है? पैसा। सो आपके जैसे ही कैन आई से ऐसे और 200 बिजनेसमैन है, कैन आई से आपके जैसे और 200, 2,000, 2 लाख बिजनेसमैन है, जिनके पास भी पैसा है पर टाइम नहीं है, या और दूसरा चीज ओवरऑल मार्केट का नॉलेज भी नहीं है। इन सच सिचुएशंस एक कॉन्सेप्ट उभर के आया, कहां पे पता है? नेदरलैंड्स में। तुम्हारा भाई तुम्हारे को पूरा हिस्ट्री के साथ बताएगा, आपको लर्न करने का जरूरत नहीं है वो हिस्ट्री, बट पता होना चाहिए कि चीजें कहां से क्या कैसे हो रही है। सो देयर वाज अ टाइम इन द ईयर 1774, जी आपने सही सुना, 1774 में नेदरलैंड्स में ऐसा ही कुछ होने लगा। पब्लिक के पास पैसा है, नेदरलैंड्स मतलब बेसिकली यूरोप का पार्ट है, तो वहां पे लोगों के पास पैसा आया, बट उनके पास टाइम नहीं था, उनके पास ओवरऑल मार्केट नॉलेज कि कहां पे इस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए उसका आइडिया नहीं था। देखो, पैसा पड़े पड़े बढ़ेगा या उसका वैल्यू कम हो जाएगा, आप मुझे बताओ। चलो आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास पैसा पड़ा है, वो पैसा बढ़ेगा या उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा? मेरे को बताओ, आप लोग ही बताओ। 1958 में अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपको 100 रुपया दिया होता ना, आज 2023-24 में इसका वैल्यू 1 रुपया भी नहीं है। समझ रहे हो ना तुम लोग? सो भाई अपना पैसा पड़े पड़े तो क्या हो रहा है, ये लो ये स्टैटिस्टिक्स तुम्हारे को बता देता हूं। 100 रुपया कितना हो जाएगा मेरा? 1 रुपया हो जाएगा, 1 रुपया इन अ स्पैन ऑफ दिस। यू नो यू विल नॉट बिलीव, जब मेरे को ये फाइनेंशियल नॉलेज, मार्केट का नॉलेज आया ना, तब ऐसे ही इन जनरल मम्मी से बात चल रही थी कि मम्मी ने बताया मेरे को कि भाई मेरे टाइम पे शादी हुई थी, तो शादी के टाइम पे मुझे ये मिला वो मिला। तब मेरी मम्मी ने मुझे क्या बोला पता है? मेरी मम्मी की शादी हुई थी मम्मी पापा की शादी हुई थी 1980s में, अप्रोक्सीमेटली 85 में उनकी शादी हुई थी, ठीक है। वो टाइम पे मेरी मम्मी बोलती है कि मेरे को तेरे नाना ने, मतलब मेरी मम्मी के पापा ने 21,000 रुपीज दिए थे, मतलब एज अ पार्ट ऑफ गोल्ड ये वो सब मिला के मम्मी को थोड़ा बहुत 21,000 रुपीज दिए थे कैश। मम्मी ने बोला कि मुझे वो कैश इतना, मतलब इमोशनल हो गए। मेरी मम्मी बोलती है कि नहीं, मेरे पापा ने दिए हैं ये 21,000 रुपये, मैं ये अपने पास ही रखूंगी। फिर मम्मी मुझे लेके गई मेरे उनके रूम में और बताया, ये देख आज भी मैंने तेरे नाना के वो 21,000 रुपये ऐसे ही संभाल के रखे हैं। आपको क्या लगता है मेरा रिएक्शन क्या हुआ होगा? करेक्ट, आई वॉज लाइक मम्मा आपने क्या किया, ये आप ये 21,000 रुपये अपने पास ही रखे? मम्मी बोलती, हाँ देख वही 21,000 रुपये जो तेरे नाना ने दिए थे, डीमोनेटाइजेशन के बाद चेंज करवा दिए मैंने, बट है ये वही 21,000 रुपये। मैंने बोला, मम्मा अगर यही 21,000 रुपये से आपने, आप लोग भी वही सोच रहे हो क्या जो मैं सोच रहा हूं? आप लोग भी वही सोच रहे हो क्या? करे खत्म, टाटा बाय बाय। अरे मैंने बोला, मम्मी यही 21,000 रुपये आपने गोल्ड में या विप्रो में डाल दिए होते। समझ गए ना आप लोग, समझ गए ना? बस 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 वैसा ही कुछ सिनारियो हुआ। तो ऑब्वियसली पब्लिक पब्लिक ये चीज समझता है, ठीक है। 1958 का 100 रुपया आज 50-60 साल बाद उसका वैल्यू जीरो हो गया है। तो आप लोग भी चाहते नहीं हो कि 15 लाख रुपया या आपके पास जो 1,000-2,000 रुपया भी पड़ा रहे वो आप लोग ऐसे ही रखो। एंड देयर फॉर पीपल वॉन्ट टू इन्वेस्ट बट दे डू नॉट हैव द टाइम टू इन्वेस्ट, दे डू नॉट हैव द ओवरऑल मार्केट नॉलेज टू इन्वेस्ट। एंड दैट इज वेयर एक कॉन्सेप्ट आया, जहां पे हमने सोचा कि क्यों ना हम ये 200 लोग मिलके एक ऐसे इंसान को अपॉइंट करें पहले, जिसके पास मार्केट का नॉलेज हो, जिसके पास मार्केट का नॉलेज हो। मेरे पास मार्केट का नॉलेज है, मैं आप लोगों को प्रूव कर चुका हूं। दूसरा, जिसके पास टाइम ही यही हो, जिसके पास टाइम ही यही हो। अब आप लोग भी सोचोगे कि भाई आदमी
पूरा नॉलेज लेके बैठा है और हमारे लिए पूरा का पूरा तरह इन्वेस्टमेंट कर रहा है हम लोग के लिए, तो सीधी सी बात है ये प्रोफेशनल आदमी हुआ, इसको कुछ फीस देना पड़ेगा, राइट राइट प्रोफेशनल आदमी हुआ इसको कुछ फीस देना पड़ेगा। एंड दिस इज हाउ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स केम इनटू द पिक्चर। ये पता ही नहीं होता है, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स क्या है सबको पता है आज की तारीख में एंड ऑल ऑफ दैट, बट दिस इज हाउ द होल सिस्टम स्टार्टेड। ये उसका रियल हिस्ट्री। ये सिनारियो करते करते 1774 में एक डच का बंदा था, नाम और वो सब मैंने लिखा है मेरे दूसरे स्लाइड में, मैं आपको बताता हूं। 1774 में वहां के नेदरलैंड्स के पब्लिक ने भी बोला कि यार ऐसा करते हैं, ये जो बंदा है उसका नाम है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है उसका नाम है वेन कैटविच। वेन कैटविच, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि वेन कैटविच को हम पैसा देंगे। ये जो वेन कैटविच है इस आदमी के पास क्या प्रोफेशनल नॉलेज है, तो वो लोग ने देखा कि हाँ इस आदमी के पास प्रोफेशनल नॉलेज है। क्या इस आदमी के पास टाइम है? यस, तो क्यों ना इसको हम लोग कुछ फीस दे दे कि भाई तू हमारा फंड्स को मैनेज कर, तू हमारा फंड्स को मैनेज कर, और ये फंड से जो भी रिटर्न आ रहा है तेरा फीस माइनस करने के बाद, तेरा फीस माइनस करने के बाद पूरा का पूरा हमारे को रिटर्न कर दे, पूरा का पूरा जो भी इस म्यूचुअल फंड से एसोसिएटेड है उसको ये रिटर्न कर दे। एंड दिस इज हाउ इन द ईयर 1774 द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन नेदरलैंड्स। एंड उन्होंने पता है उनके फर्स्ट म्यूचुअल फंड का नाम क्या रखा? सोचो कितना लॉजिकल था वो नाम। उन्होंने फर्स्ट म्यूचुअल फंड का नाम रखा, हाँ ये फर्स्ट म्यूचुअल फंड मैनेजर है वेन कैटविच, उन्होंने फर्स्ट म्यूचुअल फंड का नाम रखा यूनिटी क्रिएट्स स्ट्रेंथ। एक और एक 11 बोलते हैं अपन अपनी लैंग्वेज में, उन्होंने नाम रखा यूनिटी क्रिएट स्ट्रेंथ, ये उनके फंड का नाम था इन देयर लैंग्वेज। ऑब्वियसली डच का जो लैंग्वेज है उसको उन्होंने नाम दिया, फंड का नाम दिया इंद्रैक्ट वॉक्ट मैक्ट, वॉट एवर इट इज, अपने को उसे कंसर्न नहीं है, बट समझ में आया उसको। ऑब्जेक्टिव क्या था? जितने भी स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि आप 200 लोग हो, ऑब्जेक्टिव क्या है? आप लोग का पैसा डाइवर्सिफाई हो जाए, शेयर्स में, थोड़ा गोल्ड में, थोड़ा रियल एस्टेट में। 15 लाख में सब तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट जब यही 15 लाख 200 लाख 200 लोगों से आ जाए, 15 लाख 200 लोगों के पास से आ जाए, देन इन दैट केस कहना इसे अच्छा खासा फंड आ जाएगा। फिर वो फंड इन्वेस्ट करेगा गोल्ड में भी, रियल एस्टेट में भी, स्टॉक मार्केट में भी, बिजनेसेस में भी, और वहां से जो भी रिटर्न आया प्रपोर्शनेटली आप लोग को डिवाइड करके दे दिया जाएगा। एंड दैट इज हाउ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स केम इनटू द पिक्चर। एवरीबॉडी समझी गुडू? क्या ये स्टोरी याद रहेगा आप लोग को? याद रखना नहीं है पर ऑटोमेटिकली याद रहेगा ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, मैं क्यों बता रहा हूँ ये स्टोरी? सर आप ही बोल रहे हो एग्जाम में तो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, सीधी सी बात है, बट ये सब चीजें जब आपको पता होगी ना कि कहाँ से चीजें आई, आप क्यों कर रहे हो जो भी कर रहे हो, ट्रस्ट मी आगे का काम है ना बहुत ईजी हो जाएगा। ये अभी नहीं समझेगा, अभी आपको ये स्टोरी क्यों सुना रहे, समझ रहे हो? बट दिस इज हाउ द होल लिंकिंग शुड बी। तो इसके लिए म्यूचुअल फंड्स बना, और नाम तो देखो फर्स्ट म्यूचुअल फंड के नाम से ही समझ में आ जाता है कि क्या होगा इसका मतलब, यूनिटी क्रिएट स्ट्रेंथ, एंड उसी के लिए अपन लोग कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट का बेस स्ट्रांग होगा, करेक्ट पल्लवी, समझ रहे हो? अब उसने क्या किया वो भी मैं आपको बताता हूं, उसने क्या किया वो भी मैं आपको बता दूं कि कैसे। आज से 200 साल पुरानी बात है, आज से 200 साल पुरानी बात है, उससे भी 250 साल, 250 ईयर्स पुरानी बात है, बट उसके बाद भी उन्होंने वो टाइम पे जो कॉन्सेप्ट लाया ना वो आज भी रेलेवेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, सुनो। ये सब लोग पहले मेरे को बताओ, सब लोग साथ में हो ना, सब लोग एकदम मतलब इंटरेस्ट आ रहा है ना चीजें में, जो भी मैं करवा रहा हूँ मुझे बताते जाओ भाई, सो दैट मतलब मालूम पड़े लोग भटक गए तो मतलब नहीं है ना, फिर सही जा रहे हैं ना अपन लोग, सही जा रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना क्या हुआ, म्यूचुअल फंड कहाँ पे आया, क्यों कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट। ये बेसिक्स आप लोगों को जानना है कि नहीं जानना है बोलो मुझे, ये आजकल के बच्चे लोग मैं आपको बता दो, तू लोग सब लोगों को शॉर्टकट चाहिए, अरे सर सीधा एनएवी का फॉर्मूला पढ़ाओ ना, हम लोगों को वही चाहिए, क्या आप लोग का वैसा एटीट्यूड है या दिस इज हाउ यू वॉन्टेड टू वर्क? आप लोग मुझे बताओ एक बार, मैं आपको बता दो, कोई नहीं बताएगा ये चीज, कहीं नहीं मिलेगा आपको ये चीज, ये वाला जो इंफॉर्मेशन है कहीं नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी कोई नहीं बताएगा, बट
कैसा है पूछ लेना हमारी लोगों को जो हमारा लेक्चर सुन रहे हैं उन्हीं को कि आप लोग को ये सब बेसिक से ही करवाओ ना भैया, कॉन्सेप्ट एकदम बोलते हैं ना आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट पहले फाउंडेशन घुसा हो ना, और वैसे अपन लोग अप्रोच रखे ना कि सीधा चाहिए आपको। मैं आपको बताऊं, अच्छा म्यूचुअल फंड है, 200 लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर नैव के हिसाब से पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। नैव मतलब नेट एसेट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल सिक्योरिटीज डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। एफा करना है या ये फ्लो के साथ करना है, प्लीज बताओ। यस, फ्लो के साथ करना है, सबने जवाब दिया। अच्छा लगा, अच्छा लगा मुझे कि मैं सही लोगों को पढ़ा रहा हूं एंड सही सिस्टम जा रहा है अपना, परफेक्ट। ठीक है ना, शायद एक दो लेक्चर ज्यादा लग जाए बट आगे जिंदगी भर याद रहेगा, सीए बनने तक तो रहेगा ही। चलो, सो ये फ्लो मेरा सेट हो गया है। 200 लोग, अपने लाइब्रेरी का एग्जाम्पल था, नेदरलैंड्स में ऐसा ही कुछ हुआ वेन कैटविच के साथ। वेन कैटविच के पास प्रोफेशनल नॉलेज था, टाइम था, उसने बोला कि मुझे थोड़ा फीस दो, मैं आपका फंड मैनेज करूंगा, फंड में से जो भी रिटर्न आया उसमें से मेरे को मेरा फीस दे देना, बाकी का जो भी है आप लोग को मैं आपका रिटर्न पास कर दूंगा। एंड दिस वॉज अ वेरी वेरी हिट फॉर्मूला। पब्लिक को लगा ये आइडिया अच्छा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वेन कैटविच ने क्या किया, वेन कैटविच ने बोला कि ठीक है, मैं एक्चुअल में ऐसा हुआ, मैं 2000 यूनिट्स इशू कर रहा हूं, मैं 2000 यूनिट्स इशू कर रहा हूं, फिक्स्ड लिमिटेड, ये कितना 2000 यूनिट्स ही मैं इशू करूंगा। ठीक है, मैं 2000 यूनिट्स इशू कर रहा हूं, लिमिटेड यूनिट्स, और ये जो भी मैं लिमिटेड यूनिट्स में इशू कर रहा हूं, अगर आपको चाहिए तो अभी मैं इंडियन करेंसी में बात करता हूं, आप लोग सब लोग ये यूनिट ले सकते हो एट द रेट ₹100 या चलो एट द रेट ₹1000 पर यूनिट। ठीक है, अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी एग्जांपल को मैं लिंक करते जा रहा हूं। उसने एक्चुअली एफा किया। ठीक है, अब इसने क्या बोला पता है क्या, उसने बोला कि सुनो ये आपको कब तक सब्सक्राइब करना है, तो वो टाइम देखो वो सब यूरोप में और ये सब जगह पे ना क्रिसमस और ये सब का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उसने बोला कि अगर आपको करना है इसमें इन्वेस्ट, सो दिसंबर 24 से लेकर दिसंबर 31 तक आप कभी भी कर सकते हो। 1 जैन से मैं इन्वेस्टमेंट चालू कर दूंगा, मतलब 24 से 31 दिसंबर तक मैं सारा पैसा ले लूंगा। ठीक है, जितना भी पैसा है 2000 यूनिट, एज द रेट 1000 पर यूनिट, जितना भी पैसा है वो मैं रख लूंगा, और फिर 1 जनवरी से मैं इसको इन्वेस्ट करना चालू कर दूंगा। फिर उसने बोला कि समझो आपको 1 जनवरी के बाद इन्वेस्ट करना है तो क्या, तो फिर आप जिसके पास वो फंड्स है, यूनिट्स है, उसके पास आप खरीद और बेच सकते हो। समझ में आया क्या, 1 जैन के पास आप मेरे पास नहीं आ सकते। एक बंदे का नाम क्या था, वेन कैटविच, इसको वीके लिखता हूं मैं। ठीक है, ये वीके भाई अपने को क्या बोला कि मैं 24 से 31 दिसंबर तक 2000 यूनिट इशू करने वाला हूं, जिसको भी चाहिए वो खरीद लो, बट हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल वो टाइम पे कोई क्रिसमस में बिजी हो या किसी के पास पैसा नहीं हो, कोई बोलता है कि नहीं मेरे पास तो 10 जनवरी को पैसा आया तो मैं क्या करूं, मैं तो नहीं डाल सकता। अब सपोज तेरे पास 10 जनवरी को पैसा आया तो तू मेरे पास मत आ, मेरे पास अब यूनिट्स नहीं है। अब तू क्या कर, तू मार्केट में जा, मार्केट में जो भी यूनिट होल्डर के पास वो पैसा है, मार्केट में जो भी यूनिट होल्डर के पास वो पैसा है उसके पास से तू ये बाय कर सकता है। आप लोग को समझ में आया मैंने क्या बोला, करेक्ट। ये जो दिसंबर 24 से दिसंबर 31 का टाइम है ना, मालूम है अपन लोग आईपीओ डेट बोलते हैं, शेयर मार्केट के लिए सुना होगा तुम लोग ने, इसको बोलते हैं एनएफओ डेट, न्यू फंड ऑफर का डेट है ये। इसको क्या बोलते हैं, न्यू फंड ऑफर। तो अपना एनएफओ डेट क्या रखा हमारे वीके भाई ने, भाई देखो टाइम से कितना आगे था। अरे ये एनएफओ वेनएफओ का कॉन्सेप्ट तो अब अपन पढ़ रहे हैं, भाई साहब 250 ईयर्स पहले अपना एनएफओ निकाल चुका है यार, निकाल चुका है भाई, समझ रहे हो तुम लोग, अभी अंडरस्टैंडिंग आई। फिर बाद में इसने बोला कि हाँ यस करेक्ट कीर्तिमान, बोलता है फिर बाद में तुम्हारे को खरीदना है तो तुम लोग 1 जैन के बाद सेकेंडरी मार्केट से बाय सेल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट मेरे पास फिर बाद में नहीं आने का। ऐसे सिस्टम को जो लिमिटेड यूनिट्स एनएफओ के टाइम पे इशू कर देते हैं
और फिर बाद में बोलते हैं कि भाई एनएफओ के बाद अगर खरीदना और बेचना है तो मार्केट से खरीदना और बेचा करो। एफए सिस्टम को कहते हैं क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड्स। ये सिस्टम आज आप लोग नाम सुन रहे हो, अगेन आई एम टेलिंग यू, तब से वो सिस्टम भाई साहब लागू कर चुका था। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, समझ में आया क्या होता है? उसने यूनिट्स इशू किया, वो टाइम पे आपने लिया तो ठीक, बाद में आपको लेने का बाहर मार्केट से, इसको कहते हैं क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, समझे? और फिर बस, तो ये सिस्टम चलते गया। वेन कैटविच का मतलब याहूम, वेन कैटविच ने धूम मचा दी मार्केट में, लोग और भी लेने लगे। ये पूरे के पूरे नेदरलैंड से, कोई भी ऐसी सब चीजें होती है तो वायरल हो जाती है। भरे अब जितना वायरल होता है फास्ट, वो टाइम पे उतना वायरल नहीं होता था, बट नेदरलैंड से ये सिस्टम पूरे के पूरे यूरोप में पहुंच गया, यूरोप से पूरा का पूरा सिस्टम ये पहुंच गया अमेरिका। अमेरिका ने अप्रोक्सीमेटली 1924 में बॉस्टन में मैसाचुसेट्स फंड, MASC, मैंने वो भी नाम लिखा हुआ है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको, उन्होंने एक फंड इंट्रोड्यूस किया। बट उन्होंने क्या फंड इंट्रोड्यूस किया पता है क्या? उन्होंने बोला कि हम लोग अनलिमिटेड फंड्स इशू कर रहे हैं, हम लोग अनलिमिटेड यूनिट्स इशू कर रहे हैं। इसका मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको जब आना है तब आप हमारे पास, वेन एवर यू वॉन्ट, आप आइए हमारे पास से परचेज कर दीजिए म्यूचुअल फंड का यूनिट्स, और आपको जब चाहिए, अगेन वेन एवर आपको चाहिए, आप हमारे पास ही आइए। हम कौन है? MIT, MIT फंड के पास आइए, आपको जब चाहिए हम आपको ये देंगे। अब आपको जब चाहिए आप इसको, ये म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को आप सेल कर सकते हो, आप इसको जब चाहिए तब आप इसको सेल कर सकते हो, समझ रहे हो तुम लोग? इसमें और हमारे वेन कैटविच में क्या फर्क है, तुम लोग बता सकते हो क्या? वेन कैटविच और ये वाले सिस्टम में क्या फर्क है? ये जो 1924 में ये वाला जो फंड एस्टेब्लिश हुआ, 1924 में ये वाला जो फंड एस्टेब्लिश हुआ, इसमें इसमें भी उसने डेट रखा है, एनएफओ का डेट रखा कि भाई चल तू, इसने भी डेट वही रखा है, समझो 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक एनएफओ आ रहा है, एक यूनिट 100 रुपए का, 10 रुपए का, व्हाटएवर। बट इसने क्या बोला, एनएफओ के टाइम पे नहीं, उसके बाद भी तुम्हारे को परचेज करना है करो, तुम्हारे को सेल करना है करो, जिसको जो करना है कर सकता है। फर्क फर्क कुछ दिखा तुम लोगों को? करेक्ट, यहां पे लिमिटेड यूनिट्स था, यहां पे अनलिमिटेड यूनिट्स, पहली बात यूनिटेड यूनिट्स, एंड यहां पे अनलिमिटेड यूनिट, जब आना है आओ, जब जाना है जाओ। दूसरा, कहना इसे अनलिमिटेड यूनिट्स कभी भी परचेस कर सकते हो। और एक अच्छा चीज क्या था यहाँ पे, जब मुझे सेल करना है मैं सेल कर सकता हूं। यहां पे तो मैं डिपेंड करता है ना, सपोज आज मुझे मेरी पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, समझो आज आप लोग हैं 15 लाख रुपए, मैं वेन कैटविच हूं, तुम लोग ने मुझे 15 लाख रुपए दे दिए, मैंने मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू किया। अब से फॉर एग्जाम्पल आपको 3 साल बाद आपको एक आपका खुद का घर बनाना है, अब घर बनाने के लिए आपको फंड चाहिए, आपने सोचा कि अरे मैंने वो 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, आज उसका वैल्यू 50 लाख हो गया, तो चलो मैं वो फंड्स को बेच, मतलब वो यूनिट्स को बेच देता हूं और पैसा करके घर ले लेता हूं। बट आपको वो बेचने के लिए कोई सामने बायर भी तो चाहिए, तो कहना इसे आप मार्केट में डिपेंडेंट हो बायर के पास से, आप मार्केट में डिपेंडेंट हो बायर के पास से। आप मुझे बताओ, यहां पे आप कभी भी सेल कर सकते हो, आप कभी भी सेल कर सकते हो, किसके पास से पता है? यस, ये आपको परचेस करना है, ये आपको परचेस करना है, यू कैन परचेस एनी टाइम फ्रॉम दिस फंड। आपको सेल करना है, आप कभी भी बेच सकते हो यही फंड को। वेन कैटविच के केस में बायर सेलर होना चाहिए तब ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, यहां पे बायर सेलर का टेंशन ही नहीं है क्योंकि अपने को तो सीधा फंड के पास से ही जाके खरीदना है, अपने को तो सीधा फंड के पास से ही रिडीम करना है, मतलब अपने को अपना सेल करना है। अभी अंडरस्टैंडिंग, इस पूरे सिस्टम को क्या नाम दिया गया, इस फंड को मैं क्या नाम दूं? तो अगर इसको मैंने क्लोज एंडेड नाम दिया तो इसको मैं, इफको मैं क्या नाम दूंगा? अरे बोलो बोलो, चल चल, एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, दिस फंड वाज नाउ कॉल्ड एज ओपन एंडेड। समझे कैसे नाम गिरा?
समझे कैसे नाम गिरा? याद रहेगा आपको जिंदगी भर कि अब ओपन एंडेड क्लोज एंडेड ऐसे लर्न करना पड़ेगा। ओपन एंडेड का मतलब होता है अनलिमिटेड यूनिट, जैसे क्लोज एंडेड का मतलब ये, या अब ऑटोमेटिकली आपको जिंदगी भर याद रहेगा बिकॉज यू नो वेर इट स्टार्टेड फ्रॉम। समझे क्यों मैं बेस पकड़ के, हिस्ट्री का बेस पकड़ के आप लोग को ये करवा रहा हूं? अब कभी नहीं भूलोगे ना वेन कैटिच को, ना कभी नहीं भूलोगे कि उसने क्या सिस्टम स्टार्ट किया था। अब कहना इसे इंप्रूवमेंट होता है, कोई भी चीज आती है तो ये हिसाब से आई, फिर इंप्रूवमेंट होते जाता है। जैसे फर्स्ट टाइम सोल प्रोप्राइटर आया था बिजनेस में, बट उसको इंप्रूव करना था तो पार्टनरशिप आया, उसको इंप्रूव करना था तो प्राइवेट लिमिटेड आया, फिर पब्लिक लिमिटेड आया, उसको इंप्रूव करना था तो LLP आया, उसको इंप्रूव करना था तो 1% कंपनी आया। तो वैसे ही यहाँ पे ये चीज इंप्रूव होते गई, ओपन एंडेड, पहले क्लोज एंडेड आया और फिर अब आप लोग के पास आया ओपन एंडेड। जितना आपको यूनिट्स खरीदना है खरीदो सीधा म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाके, जितना आपको यूनिट्स बेचना है बेचो सीधा फंड के पास जाके। आप मुझे बताओ कौन सा सिस्टम बेटर लग रहा है आपको, कौन सा सिस्टम आपको बेटर लग रहा है? आप लोग बताओ कौन सा सिस्टम आपको बेटर लग रहा है, क्लोज एंडेड या ओपन एंडेड? सर इट्स अ नो ब्रेनर, सीधी सी बात है सर, ओपन एंडेड स्कीम ही बेटर है। क्यों ओपन एंडेड स्कीम बेटर है? कभी भी आओ खरीदो बेच दो, अपने को टेंशन नहीं है किसी का भी, करेक्ट? सो इसीलिए आज की तारीख में 90% ऑफ द फंड्स आर ओपन एंडेड। 90 भी नहीं मैं बोलूंगा उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा फंड्स आज की तारीख में क्या है, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स। समझ में आया क्या आप लोगों को? म्यूचुअल फंड समझ में आया क्या होता है, कब बना, कैफे बना? ओके, ओपन एंडेड आई मीन पहले क्या आया, पहले क्या आया क्लोज एंडेड, फिर उनको लगा कि नहीं यार अब हमारे पास बायर सेलर नहीं है। देखो फिर क्या हुआ पता है क्या, एक टेम्पररी पीरियड के लिए थोड़ा सा म्यूचुअल फंड का मार्केट डाउन होने लग गया। क्यों? क्योंकि कई बार बायर सेलर नहीं मिलने लगे। से फॉर एग्जाम्पल मेरे को आज घर खरीदना है और मेरे को आज ही पैसा चाहिए, बट मेरे को कोई सेलर बायर नहीं मिल रहा है सामने तो मैं बेच नहीं पा रहा हूं, या किसी को अभी खरीदना है, अभी मेरे पास सैलरी आया मेरे को अभी खरीदना है बट कोई सेलर नहीं है तो मैं खरीद नहीं पा रहा हूं। ये गैप को पढ़ा ये लोग ने, MIT ने, और उन्होंने बोला कि क्यों ना FA फंड इंट्रोड्यूस किया जाए। एंड बॉस दिस वॉज अ किलर हिट, दिस वॉज अ किलर हिट। इनफैक्ट ये एक फंड ये लोग का ऐसा था जिसने स्टार्ट किया था $50,000 से, और एक साल में भाई साहब एक साल में ये हो गया $3,90,000, मतलब 8 गुना। पैसा कितना हो गया, 8 गुना। मतलब अगर मैं तुम लोगों को इंडियन टर्म्स में बोलूं तो दिस इज अ ह्यूज राइज। यही अगर मैं FD में इन्वेस्ट करता ना, यही अगर मैं FD में इन्वेस्ट करता तो $50,000 का होता $55,000, 10% के रिटर्न के हिसाब से भी। यही 50,000 कितना हो गया, 3,90,000, यू कैन जस्ट इमेजिन। मोहम्मद अली बोल रहा है कि सर मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके सेल किया बट वो सेल कंप्लीट होने, पैसा आने को 1 वीक लगता है, ऐसी लगता है अभी वो थोड़ा, इसको बोलते हैं T+2, यूजुअली 2 से 3 दिन में आ जाता है, बट आई डोंट नो कुछ टेक्निकल इश्यू होगा तेरे केस में तो अब वो तो मुझे नहीं पता, जिसकी वजह से भी कई बार हो जाता है पैसा। अच्छा हाँ, कोई बोल रहा है कि सर 5-5% मिलता है सर FD का, तो पता है मुझे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये एक स्कोप है। क्या आप लोग को समझ में आया म्यूचुअल फंड्स क्या है, कहां से आया, क्या चल रहा है सिस्टम पूरा? समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? तो अपन लोग ने क्या किया, पहले पहले रिवाइज करना चालू किया, रिवाइज करते करते अपने को समझा कि यार ये तो सही चीज है। बट आप लोग जैसे लोगों के पास, और मैं बोलता हूं 95% लोग आप जैसे ही लोग हैं, बराबर है, जिसके पास टाइम भी नहीं है और लेट्स एक्सेप्ट आज की तारीख में शायद आपके पास वो नॉलेज भी नहीं है। तो टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, आपके पास सामने एक बंदा खड़ा है जिसके पास टाइम भी है नॉलेज भी है कि कैसे इसमें इन्वेस्ट करना है। चलो लेट्स स्टार्ट अ म्यूचुअल फंड। फंड इकट्ठा किया आप लोग ने, इन्वेस्ट किया एक प्रोफेशनल में, प्रोफेशनल को आपने बोला कि भाई तुझे तेरा फीस मिल जाएगा, जो भी एसेट जो भी यहाँ पे अपने पास बन रहा है उसका तेरे को हम कुछ एक्स अमाउंट दे देंगे। सो आप लोग ने अभी यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास 2,000 तो 200 बच्चे आ गए, 200 के 200 स्टूडेंट लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे,
तुम लोग ने बोला कि चलो 15 लाख रुपए आ गए, पूरा का पूरा 15 लाख रुपए तुम लोग मेरे को दे दोगे क्या? मैं बोलता हूँ नहीं दोगे, मुझे बताए नहीं दोगे बाबा, तुम लोग मुझे नहीं दोगे पूरा का, इतना भी तुम लोग विश्वास आग बंद करके नहीं करोगे। तुम लोग बोलोगे कि ठीक है अपना अच्छा उठना बैठना है सर के साथ, बट पूरा 15 लाख नहीं देंगे। ऐसा करते हम सर को 10 लाख, सब लोग 10-10 लाख रुपए दे देते हो। 5 लाख आप सोचते हो मैं खुद रखता हूँ, FD में रखता हूँ या व्हाटएवर, या घर पे रखता हूँ, क्या पता इमरजेंसी में यूज आ जाए। तो आप लोग ने मुझे, 200 स्टूडेंट ने 10 लाख रुपया दिया, तो इन शॉर्ट मेरे पास कितना पैसा आया? सर इतना पैसा हमारे को तो सर दिखा नहीं कभी, तो कैलकुलेट ही नहीं होता। तो भाई कर लो ना, 20 लाख, 2 करोड़, 20 करोड़, तो मेरे पास, संकल्प के पास कितना पैसा आ गया? 20 करोड़। वहां सर यह पैसा लेके भाग तो नहीं जाओगे ना? अब बुढ़वा छोटी बात करते हो, 20 करोड़। तो 20 करोड़ रुपए मेरे पास आ गए हैं, ठीक है? आप क्या बोलोगे कि सुन तेरे पास 20 करोड़ आ गए, इसको कहते हैं एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, इसको कहते हैं, संकल्प के पास जो 20 करोड़ रुपए आया है उसको क्या कहते हैं बेटा? एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। आप मुझे बोलते हो कि सुन संकल्प भाई, हम लोग कुछ भी काम फ्री में नहीं करवाते, तो ये तू एसेट अंडर मैनेजमेंट, तेरे पास 20 करोड़ का आ गया, इसका हम लोग तेरे को एक फीस देंगे। मैं पूछता हूँ कितना फीस दोगे? तो आपने बोला कि भाई तेरे को हम लोग ने दे दिया 1.5%, 1.5% ऑफ AUM, मतलब कितना हुआ? सो 20 करोड़ का 1.5%, जरा बोलना तो कितना हुआ? बोलो बोलो, चल चल यार, करेक्ट, 30 लाख रुपीज हुआ। तो आप लोग मुझे बोलोगे कि सर, मिस्टर संकल्प, हम आपको 30 लाख रुपीज देंगे, आप ये हमारा 20 करोड़ का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, इसको मैनेज करो, आपका जो भी रिटर्न आ रहा है उसमें से 30 लाख आपका लेके चलते बनो, और बाकी का पैसा हमारे को दे दो। एंड दिस इज हाउ द होल सिस्टम ऑफ म्यूचुअल फंड वर्क्स। आपको मैं पूछ रहा हूं, ए समझ गुरु एवरीबॉडी, समझे कहाँ से कहाँ चीजें कनेक्ट हो रही है? हर एक चीज मेरे एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट हुई आपकी? यस, क्या आपको समझ में आया म्यूचुअल फंड्स कैफे और कहाँ पे बना? ओपन एंडेड हुआ, पहले क्या हुआ था? क्लोज एंडेड, फिर उसकी वजह से कुछ तकलीफें आ रही थी जिसकी वजह से ओपन एंडेड बना। अब जो बंदा मैनेज कर रहा है उसको कुछ एक बोलते ना, एक मोटिवेशन चाहिए काम करने के लिए, पैसे से अच्छा क्या मोटिवेशन होगा? तो आपने उसको बोला भाई जो भी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है उसका 1.5% तेरे को दिया, तो मुझे भी मेरी फीस मिल गई, मैं भी हैप्पी हूं। अब मैं अपना टाइम और प्रोफेशनल नॉलेज डाल सकता हूं इसमें, जिससे 30 लाख मुझे मिल जाए और बाकी का रिटर्न्स मैं आप लोग को दे दूं। बराबर है? समझे सब लोग? क्लियर हो गया है एकदम दिमाग में? परफेक्ट है? ग्रेट ग्रेट। तो ये एक पूरा सिस्टम सेटअप होता है, ये पूरा एक सिस्टम सेटअप होता है। अब एक लास्ट चीज आप लोग को बता रहा हूं, एक लास्ट चीज अब मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं। अब हुआ क्या? अब ये हुआ क्या? सुनो सुनो, अब ये तुम लोग 200 लोग हो, तुम लोग सब लोग ने 10-10 लाख रुपए मेरे को दे दिए, बराबर है? 10-10 लाख रुपए आप लोग सब लोग ने मुझे दे दिए। से फॉर एग्जाम्पल अपन लोग बोलते हैं कि भाई एक यूनिट का है मेरा, अब इसको शेयर नहीं बोलते हैं म्यूचुअल फंड में, यूनिट बोलते हैं, इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे FAQ, बट एक यूनिट बोलते हैं। मैंने आप लोगों को बोला कि भाई एक यूनिट है ₹1,000 का, ठीक है? अब आप लोग अपने एग्जाम लीव पे जा रहे हो 1 दिसंबर से, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना NFO, ए NFO समझते हो क्या? NFO, NFO बोले तो क्या, जरा टाइप करके लिख के बताओ तो, NFO बोले तो क्या? ए सबको टाइप करना है भाई, तुम लोग इधर एटीट्यूड मत रखना, ईगो मत रखना। अरे भाई हम लोग तो फाइनल वाले स्टूडेंट है, हम लोग थोड़ी ये सब छोटा मोटा चीज टाइप करेंगे। ओ भाई वो सब साइड पे, तुम्हारे पिताजी यहाँ पे बैठे हैं, है ना, तुम्हारे बड़े भाई यहाँ पे बैठे हैं, तो हमारे सामने तो ईगो गुड, ठीक है, कहीं और दिखाना। आप अभी आपको यहाँ पे रिप्लाई करना है। सो NFO आया, मैंने आप लोग के लिए NFO लाया जानबूझ के 25 नवंबर से लेके मैंने बोला 30 नवंबर तक, क्योंकि मुझे पता है ये मे एग्जाम वाले बच्चे हैं, 1 दिसंबर से एग्जाम लीव पे चले जाएंगे फिर भूल जाएंगे, तो मैंने बोला कि चलो मैं NFO लाता हूँ, और NFO लाया मैंने ₹1,000 का। अच्छा आपको क्या लगता है, जो इस हिसाब से मैंने डिस्कशन किया, मैं NFO ओपन एंडेड लाऊंगा या क्लोज एंडेड लाऊंगा? देखो ये सब वर्ड्स अब यूज करना चालू करो, दैट्स द होल रीजन। वेरी गुड, एवरीबॉडी इज आंसरिंग, ग्रेट। अब मैं आप लोग के पास से ये सब वर्ड्स बुलवा रहा हूं, क्योंकि जितना आप लोग ये टाइप करोगे, जितना आप लोग बोलोगे ना, दिमाग में सेट हो जाएगा।
फिर इट विल कम ऑटोमेटिकली। अभी कहीं पे भी आप म्यूचुअल फंड कहीं पे किसी से बात करोगे ऑटोमेटिकली आएगा, अच्छा ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है भैया, वैसा। सो यू नो दीज थिंग्स शुड कम फ्रॉम विद इन। करेक्ट, आप लोग सब लोग ने बोला कि अब आप लोग बताओ क्या लाऊंगा मैं, ये ओपन एंडेड लाऊंगा या क्लोज एंडेड। ये एनएफओ का टाइम है, मतलब जरूरी नहीं है वो क्लोज एंडेड हो। करेक्ट, आई विल से ब्रिंग अ ओपन एंडेड एनएफओ, ओपन एंडेड एनएफओ लाया। बट अभी बोला कि अभी भाव 1000 है, बाद में 1 दिसंबर से मैं इन्वेस्टमेंट करना चालू करूंगा तो कुछ और हो सकता है। सो आप लोग ने क्या किया, आप लोग सब लोग ने 10-10 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चालू किया। तो ये एनएफओ के टाइम पे क्या बोला मैंने, 1000 रुपया मिलेगा 1 यूनिट का। आपने इन्वेस्ट किया है 10 लाख रुपया, आपको कितना यूनिट मिलेगा, आपको कितना यूनिट मिलेगा, बोलो बोलो, टेल टेल, कितना यूनिट मिलेगा बोलो। 1 यूनिट कितने का है, आपने बोला सर 1000 रुपए का 1 यूनिट है, 1000 रुपए का 1 यूनिट है, तो आपको कितना यूनिट मिलेगा। कि भाई मेरा कैलसी किधर है, निकालो नहीं निकालो, मैं अपना कैलकुलेटर हूँ यार, कोई बात नहीं, बोलो बोलो, चल चल। हाँ भाई, तो आपने बोला कि कितना भाई मेरे पास यूनिट्स आया है टोटल, बोलो, कैन आई से 1000 यूनिट्स आप लोग सब लोग को मिल गया। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, एस के फंड में आप लोग सब लोग को 1000 यूनिट्स मिल गया है। अब सुनो, अब सुनो, अब हुआ क्या पता है क्या, आप लोग चले गए आपके स्टडी लीव के ऊपर, आप लोग चले गए आपकी स्टडी लीव के ऊपर, ठीक है। 1 यूनिट मैंने 1000 रुपए का रखा था, बराबर है, आप लोग चले गए आपके स्टडी लीव के ऊपर, ठीक है। अब कहना इससे मैंने ये 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया रहेगा मार्केट में, बराबर है, आप लोग को तो मेरे पे विश्वास है कि अच्छा ही इन्वेस्टमेंट करूंगा मैं, ऐफा कि आप लोग को कुछ अच्छा ही रिटर्न करूं। और मैं आप लोग को खुशी के साथ कहना चाहता हूं कि ये 10 लाख रुपए जो आपने मुझे सौंपा था, मैंने 1 दिसंबर से इन्वेस्ट करना चालू किया था, जब आपका एग्जाम आपके आईडीटी का है, आपका जो भी लास्ट एग्जाम है वो आप कंप्लीट करके 18 मई को जब आप मेरे पास आएंगे, तो मैं आप लोगों को बोलता हूं कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये 12 लाख रुपए इसकी वैल्यू हो चुकी है। सो कैफा लग रहा है, बैठे बैठे 6 महीने के अंदर 2 लाख रुपए की वैल्यू बढ़ा दी है मैंने, बहुत अच्छा। अब आपके जो जूनियर्स है, आप अब आप एग्जाम खत्म हो गए, अब वापस से आप आर्टिकलशिप का जो थोड़ा बहुत 1-2 महीना बाकी रहता है उसके लिए आप जाना चालू करते हो, और अब आपको लगता है यार कॉन्फिडेंट हो आप, एग्जाम एग्जाम क्लियर हो जाओगे, कुछ दिनों में आपको भी लोग चार्टर्ड साहब बोलेंगे। तो आपके पास अभी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, आपके जूनियर्स आते हैं और आपके कलीग्स आते हैं, बोलते हैं कैसे पढ़ाई किया, ये SFM कहाँ से पढ़ा, किसके पास से पढ़ा, बताना यार, ये तुझे वो जो पैसा आया था, अरे यार मित्रों सर ने जो पैसा दिया था तूने वो कहाँ पे इन्वेस्ट किया। तो ऐसे सब सवाल आप लोग को लोग पूछना चालू करते हैं, राइट, आप लोग आपका जवाब देना चालू करोगे। आपने उसमें बोला कि यार मेरा तो है ना 10 लाख का 12 लाख हो गया है, मतलब आपके जो जो आपके कलीग्स है ना वो देख के समझ जाते हैं, वो लोग देख रहे हैं भाई साहब हमारा भाई जो रोज चल के आता था साइकिल में आता था, वो हमारा भाई रोज उबर में आ रहा है, ओला में जा रहा है, रोज भाई हफ्ते में रोज सेम शर्ट पहन के आता था, वो भाई रोज नई नई शर्ट पहन के आ रहा है, अरे भाई कभी भी एक नहाता भी नहीं था, आजकल लोग नवी नवी परफ्यूम लगा के जा रहा है आ रहा है। तो आपके दोस्त बोले भाई क्या हुआ तेरा लॉटरी लगा क्या, नहीं, मैंने एसके फंड में एनएफओ में 10 लाख डाला था, मुझे 12 लाख रुपए हो गया अभी, यार क्या बात है, बोले तो छकास, बोले तो बता बता, बोले तो छकास। तो अब आपके जूनियर आपको क्या बोल रहा है, मुझे भी ये स्कीम बताना, मुझे भी ये स्कीम बताना, मुझे भी इन्वेस्ट करना है, मुझे भी एसके फंड में इन्वेस्ट करना है। अब एसके ने ये फंड कैफा फंड लाया था, कहना इसे ओपन एंडेड फंड लाया था, तो आप उसको समझाते हो, उसको बोलते हो कि ठीक है एसके फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ओपन एंडेड फंड है। अब आपका फ्रेंड बोलता है मुझे भी 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, मुझे आप एक बात बताओ, अब आपका फ्रेंड जो 18 मई को या 20 मई को आपको बोल रहा है मुझे भी एसके फंड में इन्वेस्ट करना है 10 लाख रुपया, क्या उसको भी मैं 1000 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, क्या उसको भी मैं 1000 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 1000 यूनिट्स दूंगा क्या, आप मुझे जवाब दो, क्या उसको भी मैं 1000 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, ये 6 महीने बाद आ रहा है,
आपका जो दोस्त है 6 महीने बाद आ रहा है, क्या उसको भी मैं जब आपको लिया था 1000 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 1000 यूनिट दूंगा क्या अगर उसको भी मेरे साथ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो? आप बोलो। द आंसर इज बिल्कुल भी नहीं। क्यों ऐफा ऐफा क्यों? अच्छा आप ना बोल रही तो क्या, तो क्या? अब आप बोलोगे ओ भाई हमने राइट टाइम पे राइट इंसान पे भरोसा किया है। बड़ी बात बोल दी मैंने, डीप बात बोली है मैंने। तुम लोग ने राइट टाइम पे राइट इंसान पे, ठीक है, हम लोग ने राइट टाइम पे राइट इंसान पे भरोसा किया है। जब जब ये एसके फंड को कोई नहीं जानता था, जब इसको इस चीज के लिए कोई नहीं जानता था, तब हमने उसके ऊपर विश्वास किया है। आज अब तू तो हमारे रिकमेंडेशन पे जा रहा है, सब अच्छा हो गया है, अब तेरे को वो सेम चीज पे नहीं मिलेगा। अब तेरे को 4000 4750 पे नहीं मिलेगा, अब तेरे को खरीदना है तो 8000 10000 पे मिलेगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो? करेक्ट 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 करेक्ट। तो अब आप क्या बोलोगे उसको? अब आप उसको बोलोगे अच्छा अब तुझे चाहिए तो भाई अब 1000 रुपए पर यूनिट में नहीं मिलेगा, अब तो उसका वैल्यू बढ़ गया है, अब तो उसका वैल्यू बढ़ गया है, अब 1200 पर यूनिट पे एक यूनिट मिलेगा, 1200 पर यूनिट पे एक यूनिट मिलेगा। अभी अंडरस्टैंडिंग? तो ये जब आप लोग ने लिया था तब 1000 का था, अब आपका फ्रेंड जब कुछ टाइम के बाद ले रहा है तो 1200 का है, तो ये सब जो है ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है चेंज इन वैल्यू ऑफ वन यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। समझ रहे हो तुम लोग क्या हो रहा है? ये वैल्यू ऑफ वन यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड इज चेंजिंग। बराबर है, बराबर है। ये जो एक एक यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड का वैल्यू चेंज हो रहा है, इसको आप बोलोगे नेट एसेट वैल्यू। तो अब आप आपके जूनियर को, कलीग को बोलोगे भाई मैंने जब लिया था तब नैव नेट एसेट वैल्यू था 1000 पर यूनिट, तुझे अगर आज लेना है मेरे भाई, तुझे अगर आज लेना है तो इसका 1000 नहीं, इसका 1200 पर यूनिट होगा। क्या? नहीं, कुछ तो इसको नाम देना पड़ेगा ना। तुम लोग ने बोला प्राइस बढ़ गया है, ये जो प्राइस बढ़ गया है इसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना। नाम दिया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने इसको नेट एसेट वैल्यू। क्यों नाम दिया है वो भी डिस्कस करेंगे, बट समझ में आया आपको? धनंजय बोल रहा है सर इसका मतलब पहले ओपन एंडेड फंड होगा एंड देन क्लोज एंडेड। नहीं, ये ओपन एंडेड जिंदगी भर ओपन एंडेड ही रहेगा। तो जब 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 तुम लोग एसके फंड के पास आए थे तब इसका वैल्यू था 1000, अब एसके फंड ने इसको कहीं और पे इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करके अब एवरीडे बेसिस पे एसके फंड जितना भी इसका रिटर्न इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वो एवरीडे बेसिस पे ये चीज अपने कहीं पे लिस्ट कर देगा एवरीडे एवरीडे। क्या आप लोग ने कभी गोल्ड के ज्वेलर शॉप पे गए हो? आप लोग सच्ची सच्ची बताओ, मम्मी पापा के साथ कभी कोई गोल्ड के शॉप पे गए होगे? मालूम है गोल्ड के शॉप पे जब आप जाते हो तो वो लोग लिखते हैं टूडेज गोल्ड प्राइस। क्या आप लोग ने कभी ये देखा है क्या? टूडेज गोल्ड प्राइस तो होता है कभी कभी टूडेज गोल्ड प्राइस 10 ग्राम इज इक्वल टू से 50,000। नेक्स्ट डे पे जाओगे तो दिखेगा टूडेज गोल्ड प्राइस 10 ग्राम इज इक्वल टू 55,000। समझो उसके अगले दिन पे गए तो आएगा 10 ग्राम से इज इक्वल टू 48,000। हो रहा है ना, क्या हो रहा है? कहना इसे ये गोल्ड का प्राइस रोज चेंज हो रहा है। वैसे ही एसके फंड क्या करेगा पता है क्या? एसके फंड अपने जो म्यूचुअल फंड का उसका जो दुकान है उधर एवरीडे बोलेगा आज अगर आपको यूनिट खरीदना है तो आज का नैव इतना है, आज का नैव इतना है, कल का नैव इतना है। समझ में आया क्या? तो कैसे ये लोग गोल्ड वालों को रोज अपना अपना प्राइस कोट करना पड़ता है। तो आज अगर मैं बोलता हूं कि मेरे को सोने का चेन बनवाना है 50,000 तोला, कितना होगा? 50,000 तोला। बराबर है। अब आज मैंने 50,000 तोला, मैंने बोला कि हाँ ठीक है मैं बनवा दूंगा, फिर मैं एक हफ्ते बाद 1 वीक बाद जाता हूं
तब उसका भाव हो जाता है 55,000। तो मुझे वो 50,000 पे नहीं, 55,000 जो करंट रेट है उसके हिसाब से मेरे को देगा। सेम इज द केस विद म्यूचुअल फंड। मेरा ओपन एंडेड फंड है, तो आप आपके फ्रेंड को क्या बोलोगे? हाँ, एसके म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जा, आज का जो एनएवी होगा उसके हिसाब से तेरे को उतना यूनिट्स मिल जाएगा। धनंजय समझा गया तेरे को बेटा? धनंजय समझा गया तेरे को बेटा? तो क्लोज एंडेड नहीं, ओपन एंडेड ही रहेगा। बट मैं मेरे म्यूचुअल फंड के, जो मेरा शॉप है, जो मेरा दुकान है, जो मेरा म्यूचुअल फंड यूनिट है, उधर मैं रोज ये मेरा नया अपडेट करते रहूंगा। जब जो जाएगा उसको वो रेट पे मिल जाएगा। और समझो, अब आप बोलते हो कि नहीं मुझे तो आज बेचना है, चलेगा। आप जाओ, आप गोल्ड भी बेचने जाते हो तो बेचते ही हो ना। तो से फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने गोल्ड लिया 50,000 का, कल वापस से मैं गया गोल्ड शॉप में, 55,000 हो गया, मैं बेच सकता हूँ। गोल्ड वाला, वो जो शॉप वाला है, 55,000 में ले लेगा, जो भी उसका नैव है। आपको एसके म्यूचुअल फंड में जाना है, ओपन एंडेड है, म्यूचुअल फंड के कंपनी में जाओ, जो भाव है उस पे खरीद लो, जो भाव है उस पे बेचना है बेच दो, बात खत्म। इसके लिए ये नैव सबसे इंपॉर्टेंट है। केतन गर्ग का अच्छा क्वेश्चन है, सर ये नैव पूरे दिन के लिए फिक्स होता है या वेरिएशन एवरी डे एंड पे क्लोजिंग फिक्स हो जाता है? एवरी डे का एंड क्लोजिंग फिक्स है। तो से फॉर एग्जाम्पल, आज का क्लोजिंग हो गया, कल पूरे दिन वही भाव पे ट्रेडिंग होगा, एंड हो जाएगा डे, नैव फिक्स, अगले दिन वो भाव पे ट्रेडिंग होगा। समझे क्या? एज पर सेबी नॉर्म्स एवरी म्यूचुअल फंड एवरी डे करना ही पड़ता है। तो स्टॉक मार्केट जितना, इसमें वोलेटिलिटी नहीं होता है, फ्रेंकली स्पीकिंग। इसमें आपको डे एंड पे, जैसे गोल्ड है, गोल्ड का क्या है, आज आप सुबह गए, से फॉर एग्जाम्पल आप तनिष्क में गोल्ड खरीदने को गए, तो आपको 10 ग्राम का गोल्ड 50,000, शाम को भी जाओगे 10 ग्राम का गोल्ड 50,000, पर जब तनिष्क अपना शटर बंद कर रहा होगा ना, तब वो नेक्स्ट डे का प्राइस चेंज कर देगा, या जब वो अपना शटर सुबह खोल रहा होगा ना, तो वो अपना प्राइस चेंज कर देगा, फिर पूरे दिन वही प्राइस चलेगा, फिर पूरे दिन वही प्राइस चलेगा, वैसा होता है इसमें। समझे? तो इसमें मैंने नाव डे एंड पे नाव अपडेट कर दिया, अब अगले दिन पूरे दिन मेरा शटर खुलेगा ना, तब से लेकर एंड तक, वो दिन के एंड तक 1200 ही रहेगा। फिर जब मैं शटर बंद करने वाला रहूंगा, तब मैं वापस से नया रिकैलकुलेट करूंगा, एंड तब ये हो जाएगा, से फॉर एग्जाम्पल 1300 भी हो सकता है, से फॉर एग्जाम्पल ये 900 भी हो सकता है। तो कहना इससे, ये नैव का कैलकुलेशन एकदम बराबर से आना चाहिए अपने को। ये नैव के कैलकुलेशन के लिए अपॉइंट किए जाते हैं आपके और मेरे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स। जी हाँ, समझा कितना स्कोप है? क्योंकि नैव में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो भाई, सेबी है ना, सेबी तुम्हारे को मतलब ऐसा हंटर लेके, डंडा लेके एफओ मारेगा, एफओ मारेगा कि तुमको तुम्हारा फंड क्लोज करना पड़ सकता है। सेबी इज वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट, बता रहा हूं मैं आपको। तो ये फंड में कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन में, क्योंकि अगर फंड के कैलकुलेशन में गड़बड़ किया है तो वो अज्यूम्ड होगा कि आपने जानबूझ के कुछ गलती की है, तो गलती का स्कोप ही नहीं है। और अगर गलती का स्कोप ही नहीं है तो उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल को हायर करना पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? समझ रहे कि नहीं? वैसा गायत्री एम पूछ रही है, रियली रियली फॉर व्हाट गायत्री? सर स्टॉक मार्केट बंद होने के बाद वेरिएशन आती है ना नैव में? यस। सो एवरी डे, अब ये देखो, ये जो मेरे पास पैसा आया है, से फॉर एग्जाम्पल अभी तुम लोग ने मेरे को ये दिया था, थे 10 लाख रुपया मेरा आया। अब ये 10 लाख रुपए मैं किसमें इन्वेस्ट करूंगा? ये 10 लाख रुपए मैं किसमें इन्वेस्ट करूंगा? से शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है? से फॉर एग्जाम्पल मैंने रिलायंस का शेयर्स लिया, टीसीएस का शेयर्स लिया। अब रिलायंस और टीसीएस का शेयर्स, तो ये 1000 का 1500 रुपया हो जाएगा, ये टीसीएस का शेयर से 1500 है, ये 2000 हो जाएगा, बराबर है? से फॉर एग्जाम्पल मैंने ओएनजीसी का भी शेयर लिया था, ओएनजीसी का शेयर 500 का 200 हो जाएगा, या 500 का से फॉर एग्जाम्पल 300 हो जाएगा। तो ये जो शेयर्स में ऊपर नीचे हो रहा है, इसकी वजह से मेरे जो नेट एसेट वैल्यू है, उसको और डिटेल में समझाऊंगा, उसमें चेंजेस आएगा, वो चेंजेस यहाँ पे एवरीडे बेसिस पे रिफ्लेक्ट करना पड़ता है मेरे को। समझे? हो सकता है कि मैंने इसमें से थोड़ा पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट किया हो, तो गोल्ड का जो वेरिएशन है वो मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल मैंने गोल्ड में भी इन्वेस्ट किया था, से 1 लाख रुपए मैंने गोल्ड में किया था, आज गोल्ड का वैल्यू हो गया 90,000 से फॉर एग्जाम्पल, तो जो मेरा कम हुआ है नया कम हो जाएगा उतना उस हिसाब से। समझ गए? व्हाई द वैल्यूएशन कांट बी ऑटोमेटेड, व्हाई डू वी नीड अ प्रोफेशनल? ऑब्वियसली इट इज ऑटोमेटेड, कोई डाउट नहीं है, बट वो ऑटोमेशन को ध्यान तो रखना पड़ेगा ना आपको किसी को। भाई ये मैडम जी, गायत्री जी, ये कैलकुलेटर ऑटोमेटिक है, एक्सेल ऑटोमेटिक है, बट वो एक्सेल को ऑपरेट करना तो आना चाहिए।
मशीन्स ऑटोमेटिकली सब करेगा, बट वो मशीन को ऑपरेट करने के लिए तो कोई प्रोफेशनल चाहिए ना, समझ रहे हो। एक्सेल है, एक्सेल में अनलिमिटेड फीचर्स है, बट वो एक्सेल को यूज करने के लिए तो चाहिए ना, समझ रहे हो। वैसा कि क्या चेंज हुआ, कैसे चेंज को रिफ्लेक्ट करना है, क्या है, बराबर आया कि नहीं। और कभी कभी ये ऑटोमेशन भी फेल हो जाता है, तो मैनुअल पे भी आना चाहिए, प्रोफेशनल को ये सब आता है ना, वैसा वैसा समझे। सो आज की तारीख में भाई, पहले गियर वाली गाड़ी आती थी, आज ऑटोमेटेड गाड़ी है, खाली उसको ड्राइव मोड पे डालो, गाड़ी चलेगी। बट कभी कभी ब्रेक भी मारना पड़ता है, उसके लिए इंसान तो चाहिए ना। माना टेस्ला ला रहा है ड्राइवरलेस कार भी, बट कहीं ना कहीं देयर इज ऑलवेज अ ह्यूमन इंटरवेंशन रिक्वायर्ड। केतन पूछ रहा है कि सर, चलो जो वैल्यू यहाँ पे शेयर्स का ऊपर नीचे हो रहा है, वो तो अपन लोग नैब में चेंज करते ही है, डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो सब भी डिस्ट्रीब्यूट होता है क्या? ऑब्वियसली यस। केतन बोल रहा है सर, उसमें मैनिपुलेशन नहीं होता है क्या? नहीं भाई, सेबी बैठा है ना, इसीलिए सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, टू एंश्योर कि कोई भी चीज गलत नहीं जाएगी। ऐसा नहीं कि गलत लोग करते नहीं, करते होंगे, बट जिस दिन पकड़े गए ना, गेम ओवर। बाकी गलत तो हर चीज में होता ही है, सो मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि गलत इसमें कुछ नहीं होता होगा, होता होगा, बट इफ यू आर कॉट, फुल स्टॉप। अब अपन तो यार चार्टर्ड है, अपने को तो पता ही है ना टैक्स का कितना हेरा फेरी सब जगह होता ही है, बराबर है, तो गलत तो हो ही रहा है, पकड़े गए तब तक ठीक है। सत्यम केस के जैसा है, सत्यम केस, सत्यम स्कैंडल, पकड़ा नहीं गया था तब तक उसका शेयर के भाव भाव क्या था? अपरंपार। और जिस दिन पकड़ा गया कौन? वैसा रिया भोजवानी पूछ रही है, ओपन एंडेड मींस ओनली सेकेंडरी मार्केट? नो, ओपन एंड, ये सेकेंडरी मार्केट वर्ड मैंने यूज ही नहीं किया है रिया जी। ओपन एंडेड का मतलब होता है आप म्यूचुअल फंड के पास जाओगे, बोलोगे भाई प्लीज मेरे को म्यूचुअल फंड खरीदना है, म्यूचुअल फंड दे दे, आपको बेचना है, आप म्यूचुअल फंड के पास जाओगे, आप बोलोगे मुझे म्यूचुअल फंड बेचना है, मुझे पैसा दे दे। सेकेंडरी मार्केट तेरा क्या हो जाएगा, जहां पे बायर सेलर तेरे को मिलेंगे, वो लोग के साथ तेरे को ट्रेडिंग करना है, यहाँ पे वो बात ही नहीं है, वो क्लोज एंडेड हो गया रिया, तू कंफ्यूज हो गई, आई होप यू आर क्लियर। चलो अभी मेरे को लग रहा है तुम लोग बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस अभी से पूछ रहे हो, शांति शांति, आराम से, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। कुछ कुछ तुम लोग के क्वेश्चंस एडवांस लेवल के, जो मैं एनीवेज केस बाद में डिस्कस करने वाला हूँ, तुम लोग सीधा म्यूचुअल फंड के वैल्यूएशन पे, नैब के वैल्यूएशन पे पहुंच गए। अरे भाई रुको, सबर करो, पहले समझो तो सही वर्ड का मतलब क्या है, ये कैसे करना है वो बाद की बात है, पहले वो वर्ड का मतलब समझो। नैब होता क्या है पता है क्या? हाँ, इस प्राइस पे म्यूचुअल फंड खरीदेगा और बेचेगा यूनिट्स को, वो मेरे को समझाना है। तुम लोग तो मुझे वैल्यूएशन पे खींच गए यार, सबर करो, सब करवाऊंगा। एक म्यूचुअल फंड दूसरे एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट करते हैं क्या? हाँ, उसको कहते हैं फंड ऑफ फंड, बताऊंगा, सब बताऊंगा। सर, कैन वी से दैट डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड यूनिट्स इफ म्यूचुअल फंड इज दैट कि शेयर्स कैन बाय एंड सेल डायरेक्टली फ्रॉम सेलर्स, बट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड वी बाय और सेल फ्रॉम फंड मैनेजर? यस, काइंड ऑफ, उससे क्या फर्क पड़ता है। धनंजय, धनराज, यस यू आर करेक्ट, धनंजय। रिया तेरे को समझ में आया ओपन एंडेड क्लोज एंडेड? चलो अब इसके पहले कि और अपन ऊपर जाए, उसके पहले प्लीज फटाफट एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। बट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि तुम्हारे जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो मुझे कहो, मुझे आने तो दो, वहां पे मैं करवाऊंगा ना सब। थोड़ी मैंने बोला कि हाँ भाई चलो अभी तुम्हारा म्यूचुअल फंड का चैप्टर खत्म, चलो डाउट पूछो, तुम लोग ऐसे बिहेव कर रहे हो। हाँ मैं समझ गया, तुम लोग अभी एक्साइट हो गए हो ये सब देख के, कि ये मतलब अच्छा लग रहा है मुझे। सी, इतने सारे क्वेश्चंस कब आते हैं? जब कोई चीज समझ में आ रही है तभी आपको लगेगा, अरे ये ऐसा में क्या होता होगा, ये क्या होता होगा। सर नेट एसेट वैल्यू में क्या करते होंगे? करेंगे बाबा, सब करेंगे, काम ही यही है, आने वाले 5 दिन करना ही यही है अपने को, ठीक है। बट अभी मुझे नेट एसेट का वैल्यूएशन नहीं समझाना था, मुझे समझाना था नेट एसेट वैल्यू किस नाचीज का नाम है, वो समझ गए ना, वो समझाना था मुझे। चलो आ जाओ, अब मैं आपको बताता हूं फटाफट, एक बार अपन लोग कर लेते हैं रिकैप। अब रिकैप मैं करवाऊंगा, बट मुझे चाहिए आप लोग मुझे बताते जाओ कि क्या क्या अपन लोग ने पढ़ा है, और फिर मैं उसको लिखते जाऊंगा। फरहीन, इट इज फरहीन का क्वेश्चन देखो, इट इज बेटर टू इन्वेस्ट इन स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स? अरे फरहीन जी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है,
अभी तो अपन करते जाएंगे एनालिसिस, फिर अपने को समझेगा ना क्या बेटर है क्या नहीं। केतन बोले आपने एनर्जी कुछ ज्यादा ही बूस्ट कर दी, अंदर से आ रहे क्वेश्चन, वेरी गुड, सुपर, आई एम सो हैप्पी। बट कुछ कुछ क्वेश्चंस मुझे मुझे एक सिस्टम से, प्रोसेस से चल रहा है ना, तो कुछ कुछ सिस्टम से मेरे ऑटोमेटिकली तुम्हारे कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बट मुझे वो प्रोसेस कंप्लीट करने दो। चलो अब प्लीज स्टार्ट करते हैं रिकैप, और उसके बाद एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे। तो प्लीज प्लीज फटाफट तुम लोग मुझे बताते जाओ कि क्या क्या तुम लोग ने अभी तक सीखा है म्यूचुअल फंड ने, कहाँ से अपन लोग ने स्टार्ट किया था। उस बंदे का नाम तो याद रखने का जरूरत नहीं है, बट बेसिकली म्यूचुअल फंड होता क्या है इतना मुझे कुछ बता पाओगे क्या तुम लोग? 2 मिनट दे रहा हूं मैं, एक बार फटाफट सोच लो और फिर अपन लोग डिस्कस करते हैं। मैं 2 मिनट है ना, तुम लोगों को पूरा ये जितना भी वो है हैंड रिटन नोट्स अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी। ये देखो काजल बोल रही है जल्दी जल्दी करो ऑफिस जाना है। ऑफिस तेरे ऑफिस जाने से मेरे जल्दी जल्दी कराने का कोई लेना देना नहीं है। तुझे जब तेरा ऑफिस जाना है जा, तेरे पास बैकअप है ना, देख लेना, मैं मेरे सिस्टम से चलूंगा। अब 2 मिनट तुम लोगों को दे रहा हूं, फटाफट मुझे बताते जाओ कि आप लोग ने क्या क्या सीखा यहां पे, फटाफट। कौन? 2 मिनट दे रहा हूं। हाय चलो सबसे पहले म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट मोहम्मद अली। सबसे पहले अपन लोग ने समझा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड होता क्या है। सो म्यूचुअल फंड क्या होता है ये अपने को समझ में आ गया क्या? करेक्ट। सो क्या होता है? पूल ऑफ पब्लिक, पर पब्लिक जमा हो रहा है। सो इधर अगर मेरे को खुद के लैंग्वेज में लिखना है तो पूल ऑफ पब्लिक विद सरप्लस मनी, पैसा है पब्लिक के पास, इन्वेस्ट किसके पास? विद अ प्रोफेशनल मैनेजर। क्या ये प्रोफेशनल मैनेजर फुकट में करेगा क्या? नहीं, फॉर अ स्टिप्यूलेटेड फीस। बराबर है, ये अपना एक लेमैन का डेफिनेशन, इसमें कोई मैंने कोई बहुत एकदम हाई लेवल का डेफिनेशन नहीं, जो अपने को समझ में आया वो डेफिनेशन तुम लोगों को लिखा कि भाई एक फीस के लिए करेगा। बराबर है। एंड द रिटर्न, एंड द रिमेनिंग रिटर्न, भाई फीस देने के बाद जो भी रिमेनिंग रिटर्न है इज डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर मैं तुम लोगों को ये भी बताऊंगा मैंने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड्स में, कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं बुरे, सब समझेंगे। एंड द रिमेनिंग रिटर्न इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द यूनिट होल्डर्स, यूनिट होल्डर्स। चलो इतना अपने को म्यूचुअल फंड समझ में आया, ठीक है। तो कैसे आया वो अपन लोग को, सब लोग को समझ में आया, एब्सोल्युटली करें। तो हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड समझ में आ गया, फिर उसका फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क एंड टाइप्स में अपन लोग ने दो चीजें समा। करेक्ट, काजल ने अच्छा पॉइंट लिखा है, टू सेव टाइम एंड अवॉइड नॉलेज कॉन्स्ट्रेंट अपन लोग किसके पास गए? म्यूचुअल फंड के अप्रिसिएशन के लिए अपन लोग गए एक प्रोफेशनल मैनेजर के पास। किसके लिए? क्योंकि अपना टाइम का कॉन्स्ट्रेंट था और उस बंदे के पास या अपने पास प्रोफेशनल नॉलेज कम है, या अगर है तो भी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को दोनों चीजें होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं मेरे साथ क्या हुआ। तो मैं हूं मारवाड़ी आदमी, तो मारवाड़ी आदमी तो तुम लोगों को पता ही है, पैसा छूटता नहीं है इनसे आराम से, है वो है, अभी क्या बताऊं। तो मैं चार्टर्ड बन गया, जेपी मॉर्गन में काम कर रहा हूँ, अच्छा खासा मेरे पास फाइनेंस का नॉलेज आ गया। तो मैंने सोचा मैं ही इन्वेस्ट करता हूँ, मैं क्यों म्यूचुअल फंड वाले को 1.5 टका दू, मैं ही खुद ही इन्वेस्ट करूँ ना, मेरे पास तो सारा नॉलेज है। बराबर है, तो मैंने इन्वेस्ट करना चालू किया। 2 महीना बहुत अच्छा चला, अच्छा रिटर्न भी आने लगा, ये वो ठीक है। फिर बाद में फिर क्या हुआ, अभी देखो ऑफिस में एक साइकिल होता है, कभी कभी आपके बिजी डेज होते हैं, कभी कभी फ्री डेज होते हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया 2 महीना, तब मेरा फ्री टाइम चालू था, तो मैंने मस्त इन्वेस्ट किया। उसके बाद आने वाला 3 महीना मेरा एकदम बिजी निकल गया, बहुत ज्यादा बिजी, इतना बिजी कि मैं देख ही नहीं पा रहा था कि मेरे पोर्टफोलियो का क्या हाल है। एंड ट्रस्ट मी आई वॉज स्क्रूड अप, क्योंकि मैंने जो स्टॉक्स लिए थे उस पे मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा था। भाई देखो स्टॉक मार्केट में खाली बाइंग इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट टाइम पे सेलिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोफेशनल नॉलेज था मेरे पास, बट बिकॉज मैं टाइम नहीं दे पाया गया।
2 महीना मैंने टाइम और प्रोफेशनल नॉलेज दोनों दिया, अच्छा हुआ मेरे साथ। जब मैं दोनों में से एक चीज भी शॉर्ट पड़ा ना, तो फिर आप में आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करो, वो बेटर है। आप एक प्रोफेशनल को दे दो, वो आपके लिए बेटर काम करके देगा। उसका काम ही यही है, टाइम और प्रोफेशनल नॉलेज इसी में डालना है उसको। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, वैसा। चलो अब फिर आपने इसमें अपन लोग ने क्या समझा, वैन कैटिच ने जो बनाया वो कौन सा फंड था? रिया भोजवानी बताना, तो वैन कैटिच ने जो फर्स्ट फंड बनाया वो कौन सा फंड था? करेक्ट, वो था ओपन एंडेड। ओपन एंडेड फंड में लिमिटेड फंड्स, लिमिटेड यूनिट्स होता है कि अनलिमिटेड यूनिट्स? लिमिटेड यूनिट्स। क्या होता है? लिमिटेड यूनिट्स। इसमें अगर आपको बाइंग एंड सेलिंग करना है, ओपन एंडेड में आपको बाइंग एंड सेलिंग करना है, तो आप कहां पे करोगे? स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, विच बेसिकली इज योर, यू कैन से योर सेकेंडरी मार्केट। बट फिर हम लोग को समझ में आ गया कि यार ये सिस्टम से नहीं हो रहा है, बहुत जब हमको पैसा चाहिए तब नहीं मिल रहा है। तो फिर बाद में MIT बॉस्टन ने क्या फंड निकाला? क्लोज एंडेड। अरे उल्टा 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 कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया। मैं देख रहा था तुम लोग का ध्यान है कि नहीं, मैं देख रहा था तुम लोग का ध्यान है कि नहीं। गुड गुड गुड, गुड गुड, समझ रहे ना मेरा मेरा सिस्टम, समझ रहे हो ना तुम लोग? गुड। सो VK ने निकाला क्लोज एंडेड, और फिर MIT ने निकाला ओपन एंडेड। देखो लॉजिकली कोई चीज क्लियर होती है तो गलती पकड़ने में कितना मजा आता है ना। तुम लोगों को लॉजिकली क्लियर था कि VK ने तो क्लोज एंडेड निकाला, लिमिटेड यूनिट्स, बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक एक्सचेंज पे होता है, तो मैंने ये गलती किया तो कैसे टूट पड़े तुम लोग, क्योंकि तुम्हारा लॉजिक और कॉन्सेप्ट क्लियर है। वेरी वेरी अप्रिशिएट गाइस, वेरी वेरी अप्रिशिएट। चलो सो ओपन एंडेड, ओपन एंडेड स्कीम में फिर वो लोग ने बोला कि नहीं ऐसा करते, अपन अनलिमिटेड यूनिट्स इशू करेंगे, अनलिमिटेड यूनिट्स रिडीम करेंगे। सो यहां पे बाइंग एंड सेलिंग कहां पे होगा? डायरेक्टली। रिया समझ में आया तेरे को? डायरेक्टली विद म्यूचुअल फंड कंपनी। ए समझ गड़ी? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर हो गया। चल डन, ओसाम ओसाम। अब अपन लोग ने क्लोज एंडेड समझ लिया, अब अपन लोग ने ओपन एंडेड समझ लिया था। उसके बाद में आपका फ्रेंड आया, आपका फ्रेंड आपको बोला कि भाई मुझे भी इन्वेस्ट करना है, तो अपन ने उसको बोला सुन, हम लोग ने जब इन्वेस्ट किया था तो अलग नैव था, अब अलग नैव है। सो नैव क्या है? प्राइस, या इसको बोल सकते हो वैल्यू एट विच एवरी यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड इज परचेज और सोल्ड। ये समझ रहे हो? प्राइस और वैल्यू एट विच एवरी यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड इज परचेस्ड और सोल्ड। ए समझ गई? चलो चलो हो गया क्लियर। कैन आई सेम, पूरा रिकैप हो गया यार। पब्लिक छोटा सा ब्रेक लेंगे, चाय पी के वापस से और जोश के साथ आएंगे। अच्छा स्पीड बोलते रहो, स्पीड सही जा रहा हूं मैं, सही जा रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग सही जा रहा हूं, कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो रहा है, ये सब चीज बता दो, क्योंकि फर्स्ट 2-3 लेक्चर में अगर अपना वेवलेंथ मैच हो गया ना, लंबा जाएंगे अपन, मजाक नहीं करो, लंबा जाएंगे, मतलब 90-95 लंबा जाएंगे। तो वो स्पीड चेक टिक, कॉन्सेप्ट चेक टिक, लॉजिक चेक टिक, डन। ग्रेट, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा अब आप लोग को ये सब चीजें लिखना है, मुझे पता है आप लोग को ये सब चीजें लिखना है। ये वाला चीज मैं क्या करूंगा, अपलोड कर दूंगा, ये वाला चीज मैं अपलोड कर दूंगा। कहां पे अपलोड कर दूंगा? गूगल ड्राइव पे, वहां से कॉपी कर लेना। एज ऑफ नाउ ये वाली चीज लिखने का कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, लिखने वाली चीज मैं लिखवाऊंगा, सम सॉल्व करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट लिखवाऊंगा, फॉर्मूलाज लिखवाऊंगा, डिराइव करवाऊंगा, डोंट वरी। बट एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लग रहा है कि ये वाली चीज ऐसा लिखने की जरूरत है। ये तुम लोग डायरेक्टली मेरे गूगल ड्राइव से कॉपी कर सकते हो, मतलब डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है चल मिलते हैं ब्रेक के बाद, थैंक यू।